एक बार फिर मैं आपको फर्स्ट एप्लीकेशन चलाना बता देता हूं जेंगो की। यहां से पूरा प्रोसेस रिपीट कर लेते हैं अपन। मैंने आपसे कहा था जब भी आप सीरियस पाइथन डेवलपमेंट करते हैं, पहला काम होता है अपने सिस्टम में वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करना। क्या होते हैं वर्चुअल एनवायरनमेंट्स? वर्चुअल एनवायरनमेंट्स आपके सिस्टम के अंदर एक ऐसा एरिया क्रिएट कर देते हैं जिसमें आप जेंगो का या किसी भी लाइब्रेरी का कोई वर्जन अगर डालते हैं तो वो किसी एग्जिस्टिंग वर्जन के साथ क्लैश नहीं करता। वरना पाइथन की जितनी भी लाइब्रेरीज हैं उनके साथ सबसे बड़ी टेंशन है कि आप एक लाइब्रेरी के दो वर्जन अपने सिस्टम में नहीं रख सकते। अगर आपके पास लाइब्रेरी का कोई एक वर्जन है और मार्केट में उसका नया वर्जन आया और आपने उसको अपग्रेड करा तो आपका पुराना वर्जन हो जाता है रिप्लेस। जैसे अभी आप देखिएगा, आप लास्ट टाइम आए थे तो जेंगो का कौन सा वर्जन था? 2.1.7। अभी 1 अप्रैल को 2.2 आ गया है, जेंगो फिर अपग्रेड हो गया है। अब जेंगो का लेटेस्ट वर्जन 2.2 है, आप अभी देखिएगा जब मैं इंस्टॉल करूंगा। तो ये इससे साबित होता है कि जेंगो या पाइथन की कोई भी लाइब्रेरी पाइथन से ज़्यादा जल्दी अपग्रेड होती है। और इतने बार बार अपग्रेडेशन अगर आप अपने सिस्टम पे डालेंगे तो हर पुराना वर्जन नए वर्जन से हो जाएगा रिप्लेस। वो ना हो इसके लिए स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि आप आपके प्रोजेक्ट के अंदर अपने सिस्टम के अंदर वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करें। अब अपन ने डी ड्राइव में एक फोल्डर बना लिया था जेंगो एग्जाम्पल्स। विद इन जेंगो एग्जाम्पल मैंने कहा था अपन एक फोल्डर क्रिएट कर लें। फोल्डर का नाम मैंने दिया था माई फर्स्ट प्रोजेक्ट। ठीक, इसके बाद क्या कर रहा था जल्दी बताइए, जो लोग आए थे जिनको याद है। अगला स्टेप आप कमांड प्रॉम्प्ट पे गए थे। क्या कर रहा था कमांड प्रॉम्प्ट पे जाकर, बोलिए तो जल्दी से। कमांड प्रॉम्प्ट पे जाकर आप इस फोल्डर लोकेशन पे गए थे, दैट इज जेंगो एग्जाम्पल्स माई फर्स्ट प्रोजेक्ट। फिर क्या करा था? फिर आपने वर्चुअल एनवायरनमेंट इंस्टॉल करा था। कैसे करते हैं? पिप इंस्टॉल वर्चुअल ENV। ठीक है, अगर इंस्टॉल नहीं होगा तो पैकेज डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, इंस्टॉल होगा तो मैसेज आएगा रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। क्या मतलब इसका? हमने वर्चुअल एनवायरनमेंट ऑलरेडी इंस्टॉल करा हुआ है लास्ट टाइम, वही वर्चुअल एनवायरनमेंट आज भी काम आ जाएगा। इसके बाद ये वर्चुअल एनवायरनमेंट डाउनलोड हुआ, मतलब अच्छे से समझाइए क्या डाउनलोड हुआ। एक पाइथन का पैकेज डाउनलोड कराया आपने जिसके पास ये पावर है कि वो आपके सिस्टम पे आइसोलेटेड एनवायरनमेंट्स क्रिएट कर देगा। उन एनवायरनमेंट्स में फिर आप अगर अपना जेंगो या कोई भी पैकेज डालेंगे तो वो पाइथन के ग्लोबल एनवायरनमेंट या दूसरे एनवायरनमेंट से क्लैश नहीं करेगा। ठीक, कैसे बनाते हैं वर्चुअल एनवायरनमेंट? वेरी गुड, वर्चुअल ENV। फिर क्या लिखा था अपन ने? फिर अपन ने लिखा था अपने वर्चुअल एनवायरनमेंट का नाम। इस बार मैं वर्चुअल एनवायरनमेंट का नाम दे रहा हूँ माई ENV, जैसा लास्ट टाइम दिया था मैंने। ऐसा करने से क्या होगा? एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा, राइट? क्या होता है वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट होने का मतलब? देखिए अभी आपको सिस्टम पे जाके दिखाता हूँ क्या होता है इसका मतलब। यहाँ तक आ गए, इनका नहीं चल रहा था उनका यहाँ तक चल गया। विजुअल स्टूडियो कोड तो डला हुआ, आज उस पर काम करना है। ठीक है, अब ये इस कमांड का क्या असर हुआ ये आप विंडोज में जाकर देखिए तो आपको दिखेगा। आपके इस माई फर्स्ट प्रोजेक्ट के अंदर वर्चुअल एनवायरनमेंट का फोल्डर बन गया है। और क्या समझ में आ रहा है आपको ये सब देखकर? जितने भी पाइथन के पैकेजेस की जरूरत आपको पड़ेगी वो सारे पैकेजेस अब इन फोल्डर्स के अंदर करे जाएंगे इंस्टॉल। पाइथन का जो अपना स्टैंडर्ड कमांड है, जो स्टैंडर्ड पैकेज है, सब आप नोटिस करिए इसमें आ गए। ये देख रहे हैं ये कौन है? ये पाइथन लैंग्वेज है। ये पाइथन लैंग्वेज का एक वर्जन मेरे सिस्टम में भी अवेलेबल है, एक और एक सिस्टम में एक वर्जन यहाँ अवेलेबल है। अब अगर पाइथन 4 आती है तो मेरे पास ऑप्शन होगा, मैं चाहूँ तो पाइथन 4 को सिस्टम इंस्टॉल करूँ
चाहूँ तो पाइथन 4 को सिर्फ वर्चुअल एनवायरनमेंट में इंस्टॉल करूँ। ऐसा करूँगा तो अगर वर्चुअल एनवायरनमेंट में पाइथन 4 इंस्टॉल करूँगा तो पाइथन 3 भी रहेगी मेरे सिस्टम पे और पाइथन 4 भी रहेगी, दोनों एक दूसरे से क्लैश नहीं करेंगी, राइट। ये सारे फोल्डर्स आपके लिए वर्चुअल एनवायरनमेंट बना देता है, आपको इससे कोई मतलब नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको इन फोल्डर से डील करना है, बट डू रिमेम्बर जो पाइथन इंस्टॉल होते वक्त आर्किटेक्चर बनाती है उससे मिलता जुलता आर्किटेक्चर वर्चुअल एनवायरनमेंट आपके लिए बना देता है। तब आपके सिस्टम पे पाइथन की चीजें रखने के दो ऑप्शंस हो गए, या तो उसे इंस्टॉल ग्लोबली करें या उसे इंस्टॉल सिर्फ वर्चुअल एनवायरनमेंट में करें। क्या हम ये देख सकते हैं हमारे सिस्टम में पाइथन के ओवरऑल कौन से पैकेजेस अवेलेबल हैं ग्लोबली, कैसे देखते हैं बताओ। एक नया कमांड प्रॉम्प्ट खोलिए और यहाँ लिखिए पिप लिस्ट। जैसे ही पिप लिस्ट लिखेंगे आपके सामने एक लिस्ट आएगी। ये लिस्ट क्या बता रही है? इन द ग्लोबल एनवायरमेंट ऑफ पाइथन दिस कंप्यूटर इज हैविंग सी एक्स ओरेकल म्यूटाजिन पाई गेम वर्चुअल एनवायरमेंट ऑल दीज पैकेजेस। और अगर हम अपने वर्चुअल एनवायरमेंट में जाकर इसको लिस्ट करें तो आप देखिएगा इससे कम पैकेजेस आपको दिखेंगे। पाई गेम दिखेगा, म्यूटाजिन दिखेगा, नहीं दिखेगा। ये सब आपने ग्लोबल एनवायरमेंट में डाले ना कि वर्चुअल एनवायरमेंट में, ठीक। लेकिन वर्चुअल एनवायरमेंट में आकर काम करने से पहले वर्चुअल एनवायरमेंट को करना पड़ता है एक्टिवेट। कैसे करते हैं? वर्चुअल एनवायरमेंट का नाम लिखिए विच इज माई ई एन वी बैक स्लैश स्क्रिप्ट बैक स्लैश एक्टिवेट। कैसे पता चलेगा कि वर्चुअल एनवायरमेंट एक्टिवेट हो गया है? आप प्रॉम्प्ट के एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे पैरेंथेसिस के अंदर वर्चुअल एनवायरमेंट का नाम लिखा हुआ दिखेगा, दिख रहा है? तो इस समय हम कहाँ हैं? वर्चुअल एनवायरनमेंट में। अब हम ग्लोबल से कट ऑफ हो गए हैं। अब अगर मैं लिखता हूं पिप लिस्ट तो क्या दिखेगा? इस वर्चुअल एनवायरनमेंट में पाइथन के जो पैकेजेस इंस्टॉल हैं उनकी लिस्ट दिखेगी, राइट। अब आप चेक करिए, ये मेरे ग्लोबल पैकेजेस हैं जो पहले से मेरे सिस्टम के अंदर अवेलेबल हैं, और ये वो पैकेजेस हैं जो सिर्फ वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर आए हैं। डिफरेंस आपको दिख रहा होगा। तो इसका मतलब अभी हम डेटाबेस से कनेक्ट नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, कारण वो जो डेटाबेस कनेक्टिविटी पैकेज है सीएक्स ओरेकल वो आपने अभी वर्चुअल एनवायरनमेंट में इंस्टॉल नहीं करा है, वो ग्लोबली इंस्टॉल्ड है। अभी हम गाने भी नहीं प्ले कर सकते, अभी हम गाने भी नहीं प्ले कर सकते वर्चुअल एनवायरनमेंट में, नहीं कर सकते। गाने प्ले करने की जो लाइब्रेरी है कौन सी? पाई गेम और म्यूटाजेन, वो भी आपके वर्चुअल एनवायरनमेंट का पार्ट नहीं है। इससे समझ में आता है जो ग्लोबल लाइब्रेरी है वो अब अलग हो गई, वर्चुअल एनवायरनमेंट की लाइब्रेरी अब अलग हो गई, ठीक। चलिए, अब मेरे ख्याल से इसके बाद आप लोगों ने गलती की होगी। ये हो जाने के बाद अब हमारा नेक्स्ट स्टेप था हम जैंगो को इंस्टॉल करें। किसमें? वर्चुअल एनवायरनमेंट में। कैसे करते हैं? पिप आगे इंस्टॉल फॉलोड बाय जैंगो, ठीक है। अगर ऐसा करेंगे तो क्या इंस्टॉल होगा? ऐसा करेंगे तो जैंगो का लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल होगा। और कोई पर्टिकुलर करना हो तो हाँ, ऐसा करेंगे तो क्या इंस्टॉल होगा जल्दी फटाफट? ऐसा करेंगे तो जैंगो का लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल होगा। और मुझे कोई पर्टिकुलर करना हो तो डब इक्वल टू 2.1.7। खैर, अब आप देखिए जैंगो अपग्रेड हो गया है। लास्ट टाइम आपको 2.1.7 मिला था, इस बार देखिए कौन सा मिलेगा। ये करा था जिनका नहीं चला उनकी बात कर रहा हूं। कितने लोगों का चल गया? रॉकेट आ गया, क्लियर। ये आपका जेंगो इंस्टॉल हो गया। अब कैसे पता करेंगे जेंगो इंस्टॉल हो गया है? क्या कमांड था? पाइथन माइनस एम
Django double dash version. Right now, the system is having Django's version 2.2. ठीक है, ये था आपका सेटअप वाला पार्ट. अब शुरू होती है Django का प्रोजेक्ट बनाने की प्रोसेस. तो एक सबसे पहला क्वेश्चन, जब भी आप Django की बात करते हैं, आपके सामने दो टर्म्स आते हैं. मैंने आपको समझा दिया था, एक बार फिर उसका क्विक रिवीजन करते हैं. इफ यू कैन रिमेम्बर, जो पहला टर्म आपको Django में समझना था वो था, ये तो आपका खैर सेटअप हो गया, ये कर लिया अपन ने. हाँ, इसकी बात कर रहा हूं मैं. जब हम Django में कोई भी एप्लीकेशन बनाते हैं तो हम बोलते हैं वी आर डिजाइनिंग अ प्रोजेक्ट, एंड विद इन प्रोजेक्ट वी आर डिजाइनिंग एन एप्लीकेशन. व्हाट इज अ प्रोजेक्ट एंड व्हाट इज एन एप्लीकेशन इन Django's वोकैबुलरी? द एंटायर वेबसाइट इज कॉल्ड एज अ प्रोजेक्ट. तो सपोज करिए मैं amazon.in बना रहा हूँ Django में, दैट amazon.in इन Django's वोकैबुलरी विल बी अ प्रोजेक्ट. amazon.in में एक लॉग इन ऑप्शन होगा, एक लॉग आउट होगा, सेलर्स अपने प्रोडक्ट्स अपलोड कर पाएंगे, बायर्स उन्हें बाय कर पाएंगे, सर्च कर पाएंगे, शॉपिंग कार्ट का एक मॉड्यूल होगा, जिसे आप मॉड्यूल्स बुलाते हैं नॉर्मल वर्ड्स में, उसे हम पाइथन या Django की वोकैबुलरी में बुलाते हैं एप्लीकेशन. ऐसे अगर तो मुझे फेसबुक बनानी है, सो फॉर Django फेसबुक इज अ वेब प्रोजेक्ट. नॉर्मली इट्स अ वेबसाइट, फॉर Django इट्स अ वेब प्रोजेक्ट. और फेसबुक में जितने छोटे छोटे फंक्शनैलिटी हैं, जैसे जैसे पोस्ट अपलोड करना, लॉग इन करना, अकाउंट सेटिंग्स बदलना, टाइमलाइन देख पाना, चैट कर पाना, दे ऑल आर एप्लीकेशन. एंड एवरी Django प्रोजेक्ट हैज टू हैव एटलीस्ट वन एप्लीकेशन. हर Django प्रोजेक्ट के अंदर एक प्रोजेक्ट होगा और एक ऐप होगी, फिर आप उसकी फंक्शनैलिटी को बढ़ाने के लिए उसमें नई नई एप्स बना पाएंगे. तो जब भी आप Django में प्रोजेक्ट बनाना शुरू करेंगे, सबसे पहले आप एक प्रोजेक्ट बनाओगे, उसे आप बोलोगे ये आपकी वेबसाइट है. इस वेबसाइट के अंदर फिर आप एक 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 मॉड्यूल बनाओगे, जिसे आप Django में बोलोगे ये आपके एप्स हैं, राइट? तो सबसे पहले अपन सीखते हैं Django में हम प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं. ये भी आपको आता है तो जल्दी बताइए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, कैसे बनाते हैं Django में प्रोजेक्ट? व्हाट इज द कमांड टू क्रिएट अ प्रोजेक्ट इन Django? Django में प्रोजेक्ट बनाने के लिए द कमांड टू बी यूज्ड इज Django डैश एडमिन स्पेस फॉलोड बाय स्टार्ट प्रोजेक्ट. रट लेना, ये रोज करना है आपको, डेली स्टार्ट प्रोजेक्ट और उसके बाद आपके, राइट? मान लीजिए हम अपने प्रोजेक्ट का नाम दे रहे हैं फर्स्ट प्रोजेक्ट, ये एक्चुअल में किसका नाम है? रियल वर्ल्ड में आपकी वेबसाइट का नाम होगा. जब आप वेबसाइट कर रहे हैं sclive.in, तो ये नाम हो जाएगा sclive. तो sclive विल बी द नेम ऑफ योर प्रोजेक्ट. विद इन sclive यू विल हैव एन नंबर ऑफ एप्स विच विल वर्क लाइक मॉड्यूल्स. ठीक है, अभी मैं उसका नाम sclive ना देकर दे दे रहा हूं फर्स्ट प्रोजेक्ट. ओके, ये लिखने के बाद अपन ने स्ट्राइक कर दिया था एंटर. ऐसा करते ही Django आपको एक फोल्डर स्ट्रक्चर बनाकर दे देगा, इसके अंदर माय फर्स्ट प्रोजेक्ट के अंदर. वो फोल्डर स्ट्रक्चर मैंने आपको समझाया नहीं था लास्ट टाइम, मैंने सिर्फ आपको रन करके दिखा दिया था प्रोजेक्ट. आज उस फोल्डर स्ट्रक्चर को भी अपन समझते हैं. फिलहाल जैसे ही आप एंटर स्ट्राइक करेंगे, प्रोजेक्ट बन के तैयार हो गया. अगर आप देखें विंडोज में जाकर तो आपको आर्किटेक्चर दिखेगा, चेक कीजिए. अब ये कौन है? माय फर्स्ट प्रोजेक्ट. ये प्रोजेक्ट नहीं है, दिस इज अ फोल्डर. फॉर Django दिस इज द प्रोजेक्ट हुज नेम इज फर्स्ट प्रोजेक्ट, राइट? तो विद इन योर फोल्डर यू हैव टू फोल्डर्स, वन इज कॉल्ड एज द प्रोजेक्ट नेम, अदर वन इज द वर्चुअल एनवायरमेंट नेम. ठीक है, इसमें आपको कभी नहीं जाना है. किसमें? वर्चुअल एनवायरमेंट में. ये अपने आप मैनेज होता रहेगा. आपका आना जाना जो लगा रहेगा वो लगा रहेगा फर्स्ट. विद इन फर्स्ट प्रोजेक्ट अगर आप देखें तो आपको दो चीजें दिखेंगी, वन इज फर्स्ट प्रोजेक्ट, अदर वन इज मैनेज डॉट पाई. अभी समझाता हूं आपको इन दोनों का मतलब क्या है. फिलहाल प्रोग्राम को रन करना सीख लें एक बार और, ताकि कुछ गलती करी हो आपने तो आप सुधार दें. आप कैसे रन, तो क्या कर रहे थे आप लोग? सीधे ब्राउजर खोल के 20.0.1 डाल रहे थे. ब्राउजर काम तब करेगा जब सर्वर अप होगा. जब सर्वर ही अपनी होगा, ब्राउजर रिक्वेस्ट कहां से दे पाए? Django का सर्वर अप करने के लिए द कमांड इज रन सर्वर. फुल कमांड इज पाइथन मैनेज डॉट सर्वर. कहां से लिखना है ये कमांड? अपने प्रोजेक्ट के अंदर जाकर लिखना है. कौन है प्रोजेक्ट का नाम? फर्स्ट प्रोजेक्ट. माय फर्स्ट प्रोजेक्ट का नाम नहीं है,
माय फर्स्ट प्रोजेक्ट इज द नेम ऑफ द फोल्डर. यू हैव टू माइग्रेट इनसाइड योर प्रोजेक्ट. द प्रोजेक्ट इज फर्स्ट प्रोजेक्ट. ये आपका प्रोजेक्ट है. अब क्या करेंगे, अब यहां पर आप कमांड लिखेंगे. क्या है कमांड? पाइथन. वेरी गुड. आगे मैनेज डॉट पाई और रन सर्वर. दिस इज द कमांड. पाइथन के बाद स्पेस, फिर मैनेज डॉट पाई के बाद स्पेस, फिर रन सर्वर. जैसे ये लिखकर आप एंटर स्ट्राइक करेंगे, क्या होगा, क्या होगा? जेंगो अपना सर्वर अप करेगा. अप कर दिया तो नीचे आपको बताएगा सर्वर इज रनिंग ऑन सो एंड सो पोर्ट नंबर एंड सो एंड सो आईपी एड्रेस. अब सर्वर को अप करने की कोशिश कर रहा है. ये मैसेज आना ही चाहिए. आया था? लोगों का नहीं चला उनसे पूछ रहा हूं मैं. ये नहीं आ रहा तो सिस्टम में कुछ दिक्कत है. कोई फायरवॉल डाला हुआ है या कोई एंटीवायरस डाला हुआ है जो सर्वर को अप होने से रोक रहा है? विंडोज की फायरवॉल डिसेबल कर दो, एंटीवायरस सारे डिसेबल कर दो. ये हो गया. अब आपका अगला टास्क था ये वाला जो आपको यूआरएल दिख रहा है. इस यूआरएल को कॉपी कीजिए. कर लिया. अपना ब्राउजर ओपन कीजिए और ये यूआरएल पेस्ट कर दीजिए तो आपको एनिमेटेड रॉकेट यहां पर दिख जाना चाहिए. इतना अपन ने लास्ट लेक्चर में कर लिया था. ठीक है, अभी भी कितने लोगों का नहीं चला? सबका चल गया? किसी ने हाथ नहीं उठाया? अभी भी नहीं चला? क्या दिक्कत? मैसेज पढ़िए जोर से. टच फाइल किसके लिए, कौन सी फाइल के लिए? मैनेज डॉट पाए. तो आप कहां से कमांड चला रहे हैं? फर्स्ट प्रोजेक्ट के अंदर से चला रहे हैं कि फर्स्ट प्रोजेक्ट के बाहर से चला रहे हैं? बाहर से नहीं चलाना है ना, यही तो समझा रहा हूं मैं. ये कमांड फर्स्ट प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर आकर देना है. आप माय फर्स्ट प्रोजेक्ट के अंदर से दे रहे होगे. चलिए अब जरा चेक कीजिए, जो फोल्डर स्ट्रक्चर मैं दिखा रहा हूं एग्जैक्टली वही फोल्डर स्ट्रक्चर आपको मिल रहा है? देखो जरा बताइए. ये जो आपका फोल्डर है माय फर्स्ट प्रोजेक्ट, इसके अंदर दो फोल्डर्स दिख रहे हैं. कौन कौन? ठीक, फर्स्ट प्रोजेक्ट के अंदर एक और फर्स्ट प्रोजेक्ट दिख रहा है. क्या बोला था मैंने उस दिन? वो जो बाहर वाला फर्स्ट प्रोजेक्ट है वो है आपका प्रोजेक्ट. जो अंदर वाला फर्स्ट प्रोजेक्ट है वो है आपकी एप्लीकेशन. तो जेंगो की अच्छी बुरी कोई भी आदत माने, जेंगो बाय डिफॉल्ट आपके लिए जो ऐप बनाता है वो भी प्रोजेक्ट के नाम पे बनाता है. सो प्रोजेक्ट नेम इज फर्स्ट प्रोजेक्ट, ऐप नेम इज ऑल्सो फर्स्ट प्रोजेक्ट. आप इसका नाम बदल सकते हैं, जेंगो को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है. इफ यू विश यू कैन राइट क्लिक दिस एंड चेंज इट टू एनी अदर नेम यू विश, जो नाम आप देना चाहें. अब अपन अंदर देख के बताइए, इस फर्स्ट प्रोजेक्ट के अंदर, ये कौन सा फर्स्ट प्रोजेक्ट है? प्रोजेक्ट के ऐप, ऐप इसके अंदर आपको ये सारा फोल्डर स्ट्रक्चर दिख रहा है. चार फाइलें दिख रही हैं, .py, settings.py, urls.py, wsgi.py और इसके बाहर manage.py दिख रही है, दिख रही है? अब इस पूरे आर्किटेक्चर को समझते हैं. नाउ इट्स द टाइम कि अपन इस पूरी कहानी को डिटेल में डिस्कस करें. ये आपका आर्किटेक्चर होगा, एक बार चेक करिए. है फोल्डर स्ट्रक्चर में सब दिख रहा है. आप समझिए कौन सी फाइल से क्या रोल प्ले करेंगे, अपन किससे इंटरेक्शन होगा और किसकी तरफ आप आंख उठा के भी नहीं देखेंगे. कौन सी ऐसी फाइलें जो बोलती है मेरे तरफ मत आना, उसे सेल्फ मैनेज करेगा जेंगो, और कौन सी फाइलें जिनसे आपका रोज इंटरेक्शन होगा. पढ़िए स्लाइड्स. सबसे पहले ये स्लाइड पढ़िए जो मैंने समझाया, आपके समझ में आया? दो फर्स्ट प्रोजेक्ट बने, एक आउटर और एक इनर. आउटर वाला फर्स्ट अंडरस्कोर प्रोजेक्ट या फर्स्ट प्रोजेक्ट आपका जेंगो प्रोजेक्ट है. अंदर वाला फर्स्ट अंडरस्कोर प्रोजेक्ट आपकी जेंगो एप्लीकेशन है. बाहर वाले फर्स्ट प्रोजेक्ट के अंदर वाला फर्स्ट प्रोजेक्ट होगा तो ये रन होती है, जबकि इसको कंटेन करने का काम ये वाला फर्स्ट प्रोजेक्ट करता है. और अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप आराम से इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं. फाइन, चलिए अब आइए फाइल्स पे. सबसे पहली फाइल जो आपको फर्स्ट प्रोजेक्ट में दिख रही है, कौन सा फर्स्ट प्रोजेक्ट? अंदर वाला, जिसे हम बोलेंगे जेंगो ऐप. जेंगो ऐप के अंदर जो आपको पहली फाइल दिख रही है दैट इज कॉल्ड डंडर इनिट. डंडर इनिट माने
डबल अंडरस्कोर इन इट डबल अंडरस्कोर, ये फाइल किसी भी फोल्डर के अंदर अगर बना दी जाती है तो जैंगो की नजरों में दैट फोल्डर स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक अ पैकेज। आप याद, आपको याद होगा आपने पाइथन पढ़ते वक्त मॉड्यूल्स पढ़े होंगे। व्हाट इज अ मॉड्यूल? अ मॉड्यूल कंटेन्स फंक्शंस एंड क्लासेस। सिमिलरली अ पैकेज कंटेन्स डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स। तो जो डंडर इनिट डॉट पाई फाइल आपको बनाकर जैंगो दे रहा है वो ये बताने के लिए दे रहा है कि जो आपकी फर्स्ट प्रोजेक्ट फोल्डर है इट कुड बी वर्क लाइक अ पैकेज, इट कुड बी यूज लाइक अ पैकेज। अभी बस इतना मान लीजिए इस फाइल का होना फर्स्ट प्रोजेक्ट को जैंगो की नजरों में बनाएगा एक ऐप, पाइथन के नजरों में उसे बनाएगा एक पैकेज। तो फर्स्ट प्रोजेक्ट नाउ बिकम्स अ पैकेज बिकॉज उसके पास ये पर्टिकुलर फाइल अवेलेबल है। अगर आप इस फाइल के कंटेंट्स खोल के पढ़ें यू विल फाइंड नथिंग इन दिस फाइल, फाइल बिल्कुल ब्लैंक होगी। राइट, इसमें कुछ नहीं है। इस फाइल का होना इस बात का इंडिकेटर होता है कि पाइथन के नजरों में ये पर्टिकुलर फोल्डर कैन बिहेव लाइक अ पैकेज। राइट, तो पैकेजेस आर फोल्डर्स, यस, एंड मॉड्यूल्स आर फाइल्स। फॉर अ पैकेज टू बिकम, फॉर अ फोल्डर टू बिकम अ पैकेज इट मस्ट कंटेन अ ब्लैंक फाइल कॉल्ड एज डंडर इनिट। अब पैकेज का क्या बेनिफिट है वो आपको अभी आगे समझ में आएगा। तो डंडर इनिट का तो रोल बस इतना ही है, इससे ज्यादा कोई रोल नहीं है। आगे बढ़िए, सेकेंड फाइल पढ़िए, क्या लग रहा है आपको, अंदाजा लगाइए। प्रोजेक्ट सेटिंग माने आप डेटाबेस यूज करेंगे अपने प्रोजेक्ट में, तो जैंगो को बताना पड़ेगा आपका डेटाबेस कौन सा है। जैंगो बाय डिफॉल्ट ये मानकर चलता है कि आप SQLite 3 यूज करने वाले हैं। अगर आपको लग रहा है नहीं सर मैं तो ओरेकल यूज करूंगा, MySQL यूज करूंगा, तो जैंगो को ये इन्फॉर्म करने के लिए हम इस फाइल को करेंगे एडिट, नंबर वन। नंबर टू, जब भी आप जैंगो में कोई नई ऐप बनाएंगे, बना सकते हैं एक प्रोजेक्ट में एक और ऐप, ऑलरेडी एक ऐप है आपके प्रोजेक्ट में, क्या नाम है उसका, फर्स्ट अंडरस्कोर प्रोजेक्ट। अब मैं एक ऐप और बनाना चाहता हूँ, लेट से वो ऐप सिर्फ लोगों को ग्रीटिंग्स देगी, वो एक ऐप बनानी है मुझे, तो वो ऐप बनाने के बाद उसकी भी एंट्री मुझे करनी पड़ेगी विद इन सेटिंग्स डॉट पाई। सेटिंग्स डॉट पाई से रोज आपका इंटरेक्शन होगा, जब कोई ऐप बनेगी उसकी एंट्री इसमें जाएगी, डेटाबेस से रिलेटेड कुछ करेंगे उसकी एंट्री इसमें जाएगी। आपने अगर लास्ट लेक्चर अटेंड करा हो तो टेम्पलेट्स पढ़े थे आपने, एक रफ आइडिया दिया था मैंने आपको टेम्पलेट्स का। व्हाट आर टेम्पलेट्स? टेम्पलेट्स आर HTML फाइल्स जिन्हें आप अपने व्यूज से कॉल करते हैं सो दैट दे कैन डिस्प्ले द डेटा टू द यूजर। जब आप टेम्पलेट्स बनाते हैं उससे रिलेटेड भी एक एंट्री होती है जो की जाती है इन सेटिंग्स डॉट पाई। तो इसमें कितनी एंट्रीज करते हैं अपन, इसमें अपन चार एंट्रीज करते हैं। कौन कौन सी चार जल्दी बताइए? द डेटाबेस यू आर गोइंग टू यूज, the apps which you will be designing, the templates which you will be using, and जो भी आप अपना कोड लिखोगे उस कोड से रिलेटेड कुछ और सेटिंग्स हैं तो आप करोगे इन सेटिंग्स डॉट पाई। अभी थोड़ी देर में आप देखना डेटाबेस पे तो हम आज पहुंचेंगे नहीं, लेकिन अपनी ऐप जरूर आज आप बनाएंगे। आज आपने ऐप बनाई कि नहीं बनाई? आपने नहीं बनाई, जो ऐप बना कर दी वो आपको जैंगो ने दी, आपने तो अपने हाथों से सिर्फ प्रोजेक्ट बनाया बाय राइटिंग द कमांड जैंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट फर्स्ट प्रोजेक्ट। अब आपको अगर कुछ भी करना है तो आपको ऐप बनानी है। लेट्स से आपको लगता है सर मुझे लॉगिन पेज बनाना है, मुझे होम पेज बनाना है, दे ऑल आर एप्स इन टर्म्स ऑफ जैंगो। जब आप कोई ऐप बनाते हैं प्रोजेक्ट में तो उसकी एंट्री भी करते हैं इन सेटिंग्स डॉट पाई। अभी करवाऊंगा आपको कैसे करते हैं वो, इसके बारे में तो खूब बातचीत हुई है अपनी, भूल गए। ये डायग्राम याद है आपको लास्ट लेक्चर का? डायग्राम याद है? क्या बात हुई थी इसके बारे में, क्या बात हुई थी हमारी, क्या है ये? ये कौन है? ये यूजर है, ब्राउजर खोल के उसने हिट करा www.somethingsomething.com। व्हाट इज इट www.somethingsomething.com? दिस इज द यूआरएल, दिस इज आल्सो द वेबसाइट एड्रेस, राइट। ये रिक्वेस्ट यहां पहुंचेगी, ठीक है, इस रिक्वेस्ट को सर्व इसको करना है, राइट। इसके अंदर क्या होते हैं? फंक्शंस होते हैं, खूब सारे, लेकिन इनमें से कौन सा फंक्शन किस यूआरएल से कनेक्टेड है वो डिटेल रखने का काम करती है urls.py। तो आज जो मैं ऐप बनाऊंगा आपके साथ अभी, उस ऐप में एक व्यू होगा, एक फंक्शन होगा, राइट, उसको एक यूआरएल देना पड़ेगा मुझे, वो यूआरएल की एंट्री हम लोग करेंगे विद इन urls.py। सारा खेल इस यूआरएल से शुरू होता है। व्हेनेवर द यूजर हिट्स योर वेबसाइट
वो कुछ लिखेगा www.somethingsomething.com/home/contact/about/login something like that. जब वो ये यूआरएल टाइप करेगा, देर हैज टू बी अ फंक्शन विच इज गोइंग टू सर्व दिस यूआरएल. दैट फंक्शन इज कोडेड इन दिस फाइल. लेकिन इस फाइल को इस पर्टिकुलर यूजर के भेजे गए यूआरएल से कनेक्ट करने के लिए हमें एक मैपिंग बनानी पड़ती है, एंड दैट मैपिंग इज क्रिएटेड इन द फाइल कॉल्ड एज urls.py. तो मान सकते हैं वर्चुअल तौर पे एक डिक्शनरी है जिसमें की वैल्यू पेयर्स होते हैं. द की इज यूआरएल, द वैल्यू इज द फंक्शन विच इज गोइंग टू एग्जीक्यूट टू सर्व दैट यूआरएल. फंक्शन पाइथन में लिखा होगा ऑफ कोर्स, और वो फंक्शन जाएगा इनसाइड दिस फाइल हुज नेम विल बी views.py. आया समझ में? तो इसका मतलब आप url.py में कितनी एंट्री करोगे? जितने आप फंक्शंस बनाओगे. हर फंक्शन एक यूआरएल के लिए चलेगा. तो अगर आपको 10 यूआरएल सर्व करनी है, 10 यूआरएल समझ रहे हैं, अबाउट, होम, कॉन्टैक्ट, इन सब के कंटेंट्स अलग अलग होंगे. थोड़ा दिमाग लगाइए. यूजर अबाउट पे क्लिक करेगा तो डिटेल्स आएंगे आपकी साइट के बारे में. होम पे क्लिक करेगा तो होम पेज आएगा. कॉन्टैक्ट पे क्लिक करेगा तो कॉन्टैक्ट डिटेल आएंगी. लॉग इन पे क्लिक करेगा तो लॉग इन पेज आएगा. ये सब यूआरएल्स हैं. इन सबको सर्व करने के फंक्शंस हैं, और इन सब की एंट्री करी जाएगी विद इन urls.py. ये मैंने आपको लास्ट टाइम समझाया था. अब आज आप इस फाइल को देखिए और बताइए, ये थ्योरी समझ में आ रही है? अब ये कौन जैंगो की भाषा में, ये कौन फंक्शन? दे आर व्यू फंक्शंस. एक नॉर्मल वेब डेवलपमेंट वर्ड्स में हम बोलते हैं वी आर डिजाइनिंग वेब पेजेस. जैंगो में हम बोलते हैं वी आर डिजाइनिंग व्यू फंक्शंस. एवरी व्यू फंक्शन विल प्रोड्यूस अ वेब पेज, एंड मैपिंग विल बी डन इन urls.py. आया नहीं आया समझ में? आया? थोड़ी सी पेशेंस रखिएगा, आज का लेक्चर और हो जाने दीजिए और क्लैरिटी हो जाएगी. क्योंकि जैंगो बहुत ईजी है, लेकिन इतना ईजी है कि उसने बहुत सारी चीज़ों को बहुत कन्फ्यूजिंग करा हुआ है. बहुत सिंपल. आप अगर आज के बाद कभी भी PHP या जावा पढ़ेंगे तो आप देखिएगा आप जैंगो को याद करेंगे कि जैंगो ने तो चीज़ों को इतना सिंपल कर दिया था. लेकिन जब आप फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ें थोड़ी सी आपको नई नई लगती हैं, तो चीज़ें इमेजिन करने में दिक्कत जाती है. बट धीरे धीरे चलिए, जो डाउट हो पूछते चलिएगा. तो क्लियर हो गया urls.py? हाँ जी, हाँ जी, हाँ, एग्जैक्टली. एक ऐप के अंदर बहुत सारे फंक्शंस हो सकते हैं. हर फंक्शन एक डिफरेंट पेज प्रोड्यूस कर सकता है. एक एग्जांपल, जैसे मान लीजिए मैंने एक ग्रीटिंग्स ऐप बनाई. चलिए, फेसबुक ऐप मैंने बनाई. उस फेसबुक ऐप के अंदर मैंने, फेसबुक ऐप नहीं है, फेसबुक तो वेबसाइट हो गई. उस वेबसाइट के अंदर अब फेसबुक में करना पड़ेगा लॉग इन, तो अपन इससे अच्छा अमेजोन पे चलते हैं. मैं आपको एग्जाम्पल वाइज समझाता हूँ. फिर ये जो देख रहे हैं ना आप, अगर मैं आपसे पूछूं ये जैंगो में क्या है, तो आप बोलोगे सर ये होम पेज आ रहा है. इसके लिए भी एक फंक्शन बना होगा जो आज आप बनाना सीखेंगे. ठीक है, आप देख रहे हैं ना, यहाँ मैंने कोई नाम नहीं दिया है. तो नॉर्मली इसको हम क्या बुलाते हैं? इसको हम होम पेज ही बुलाते हैं ना. तो जैंगो के टर्म्स में होम पेज सर्व हो रहा है. ठीक है, आप ये बताइए, मैंने यो टुडेज डील पे क्लिक करा. जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ यूआरएल चेंज होगा कि नहीं होगा? होगा. देखो आप ध्यान से, ऊपर हुआ. अब ये यूआरएल की एंट्री होगी urls.py में, कि अगर ऐसी रिक्वेस्ट ब्राउजर से आए तो ये वाले व्यू को भेज देना. ऐप अभी एक ही चल रही है, ऐप अभी एक ही चल रही है, लेकिन उसको सर्व कोई और फंक्शन कर रहा है. राइट, तो ये मेरा एक हो गया. अब आपको लग रहा है सर ये वाला जो पार्ट है, फॉर एग्जाम्पल सर्चिंग वाला, हो सकता है ये मैं एक नई ऐप के तौर पे amazon.in में डालूं, तो ये मेरी एक नई ऐप हो जाएगी. ठीक है, अब जब मैं यहां कुछ डालूंगा, लेट से मैंने कहा जैंगो बुक्स, तो ऊपर यूआरएल बदलेगा. देखो अभी जैसे ही मैं एंटर स्ट्राइक करूंगा क्या होगा. हर यूआरएल के लिए देयर हैज टू बी अ व्यू. हाँ, आप ये भी कर सकते हो, आप एक फंक्शन बनाओ, हर यूआरएल पे वही चले, उसके अंदर इफ एल्स लगा लो. ये वाला यूआरएल आए तो ये आउटपुट जनरेट करो, ये वाला यूआरएल आए तो ये आउटपुट जनरेट करो, एंड सो ऑन. बट द लॉजिक सेज इफ द आउटपुट इज डिफरेंट, फंक्शन शुड बी डिफरेंट. इफ द फंक्शनैलिटी इज डिफरेंट, ऐप शुड बी डिफरेंट. तो वन प्रोजेक्ट कैन कंटेन हंड्रेड्स ऑफ ऐप. हाउ डू यू डिसाइड? यू डिसाइड बाय डिवाइडिंग योर वेबसाइट इनटू डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स. आप एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल हो ना, वोटिंग के लिए मान लीजिए आपको एक एप्लीकेशन बनानी है. लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, इसके लिए आपको एक इलेक्शन कमीशन ने बोला है कि आपको वेबसाइट बनानी है. अब आप बताइए वोटिंग वेबसाइट में क्या क्या होगा? मुझे लगता है लोग
रजिस्टर कर पाएंगे, राइट? लोग पोल कर पाएंगे, हम इलेक्शन के रिजल्ट्स अनाउंस कर पाएंगे, जब गिनती हो रही होगी वोटों की तो हम लाइव ट्रैकिंग कर पाएंगे। दे ऑल आर एप्स इनसाइड दैट वोटिंग वेबसाइट। अब आपको लग रहा है सर लोग वोट कर पाएंगे, इसमें क्या क्या होगा? तो मैं बोलूंगा जब बंदा लॉग इन करेगा तो आपको वेरीफाई करना पड़ेगा, डेटाबेस से उसका यूजर नेम पासवर्ड चेक होगा, फिर पार्टीज के नाम आएंगे, उनकी लोगोज आएंगी। ये एक ऐप की फंक्शनैलिटी, ये स्प्लिटेड होगी, कंप्लीट करो मेरी बात, ये स्प्लिटेड होगी डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस में, एंड दोज फंक्शंस विल बी कोडेड इन द फाइल कॉल्ड views.py। तो सबसे छोटा कौन? फंक्शन। फंक्शन से बड़ी ऐप, ऐप से बड़ा प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट एक ही होगा, हाँ, वन प्रोजेक्ट कंटेन्स वन एंटायर वेबसाइट। दैट प्रोजेक्ट विल हैव हंड्रेड्स ऑफ एप्स डिपेंडिंग ऑन द मॉड्युलैरिटी। आपको लग रहा है नहीं सर मेरी साइट के अंदर तो दो ही लोग हैं, एक मान लीजिए अमेजोन की बात करते हैं, एक मान लीजिए बायर है, एक मान लीजिए सेलर है, तो मैं बोलूंगा ठीक है आपकी वेबसाइट में दो एप्स होंगी, एक बायर की और एक सेलर की। लेकिन सोचिए बायर सेलर दोनों को लॉग इन करना पड़ेगा, तो उनकी कुछ कॉमन फंक्शनैलिटी होगी, दोनों डेटाबेस को बात करेंगे उसकी कुछ कॉमन फंक्शनैलिटी होगी, ऐसे अपन को आगे बढ़ना है। तो एक प्रोजेक्ट बनने दीजिए, इतना आपकी सोच अपने आप एनहेंस हो जाएगी कि आप समझ पाएंगे प्रोजेक्ट को कैसे डिवाइड करते हैं ऐप्स में, ऐप्स को कैसे डिवाइड करते हैं फंक्शनैलिटी पे। आपको लगता है सर एक ही ऐप रखनी हो, आप एक ही रख लीजिए, आपकी पसंद है, बट जनरली हम ये मानते हैं डिफरेंट फंक्शनैलिटी के बेस पर प्रोजेक्ट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट ऐप्स होंगी। हुआ क्लियर? ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए यहाँ कुछ कंप्लेंट वम्प्लेंट का भी ऑप्शन होता है, प्रोडक्ट रिटर्न करने का भी ऑप्शन होता है, प्रोडक्ट अगर ट्रांजिट में तो अमेजोन बिना कुछ पैसा काटे आपको प्रोजेक्ट आपका प्रोडक्ट वापस ले लेता है, तो अगर मुझे प्रोडक्ट रिटर्न करना है तो वो भी एक फंक्शनैलिटी है। वो किसकी फंक्शनैलिटी है? वो कस्टमर की फंक्शनैलिटी है, सो दैट शुड बिकम अ फंक्शन इन द कस्टमर ऐप, वो कस्टमर ऐप की एक फंक्शनैलिटी हो गई ऐसे। बिल्कुल आप अपने हिसाब से कराएंगे, आप ही तय करेंगे कि यूआरएल लिखेगा तो ये वाला पेज चलना भी करेंगे अपन, ठीक है? ये इन्होंने पहले से सेट करा होगा, ये इसके इसके अंदर कोड, ये कौन है? अच्छा ये बताओ, अब तो एचटीएमएल पढ़ ली ना, ये कौन है? ये एंकर है, इसके एचआरईएफ में क्या लिखा होगा? ये यूआरएल लिखा होगा, तो दिख रहा है आपको, मैं देख सकता हूं। जैसे ये क्या है? ये भी एंकर है, इसको इंस्पेक्ट करो आप, देखो इसके एचआरईएफ में क्या लिखा हुआ है। ये देखें, ये पूरा दिया हुआ है ए क्लास, दो ये तो CSS हो गई, ये हो गई इसकी वैल्यूज जो इन्होंने दी हुई है सेट, ये पूरा पेज रन हो रहा है, ये इसका HREF है, ये वाला, ये सारा क्या किसने डिजाइन करा होगा? ये सर्वर साइड डेवलपर नहीं तो करा है? आप ही जब अपने पेजेस पे लिंक देंगे तो आप ही तय करेंगे कि किस क्लिक पे कौन सा URL चलेगा, और URL की एंट्री करेंगे आप urls.py में। जब तक मुझे मालूम नहीं होगा URL क्या है, तब तक मैं उसे फंक्शन के साथ जोड़ूंगा कैसे? ये डायनेमिकली रैंडमली थोड़ी आ रहे हैं, ये प्री कोडेड URLs हैं। चलिए बढ़िया आ गया, तो ये थी आपकी urls.py फाइल, आ गया समझ में? तो सेटिंग्स और URLs में क्या अंतर है? सेटिंग में प्रोजेक्ट वाइज सेटिंग होगी, जैसे डेटाबेस कौन सा यूज हो रहा है, एप्स कौन कौन सी इस प्रोजेक्ट के अंदर होस्टेड हैं, टेम्पलेट्स अगर बन रहे हैं तो उनके बारे में बातचीत होगी। इसके अंदर सिर्फ एक चीज होगी और वो एक चीज है URLs। कौन से URLs? जिन URLs पे किसी ना किसी फंक्शन को चलना है और वेब पेज सर्व करना है। नेक्स्ट, ऊपर वाली, इससे आज बात नहीं होगी आपकी, इससे आपकी बात होगी 2 महीने बाद, जब जब आप अपनी साइट को लाइव करेंगे। अभी क्या कर रहे हैं आप? अभी आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, फिर आप डिप्लॉयमेंट करेंगे, जब अपनी साइट इंटरनेट पे ले जाएंगे आप, तब आप इस फाइल की जरूरत पड़ेगी, विच इज कॉल्ड WSGI फाइल। WSGI का फुल फॉर्म वेब सर्वर गेटवे इंटरफेस, तो इसका मतलब इससे हमारी कोई इंटरेक्शन नहीं होगा, फिलहाल नहीं होगा, ये बनेगी लेकिन आप इसको टच भी नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे, कभी करेंगे, कभी करेंगे जब फाइनली प्रोजेक्ट को आप लाइव करना चाहेंगे और आप चाहेंगे लोग अपने घर पे बैठकर नेट से आपकी साइट एक्सेस कर पाए। अभी जो आपका प्रोजेक्ट है वो आपके लैपटॉप पे चलेगा ना, क्योंकि वो लोकल सर्वर पे चल रहा है, जब आप उसे इंटरनेट पे डालेंगे तब इस फाइल को यूज करेंगे, विच इज कॉल्ड WSGI फाइल। इससे तो आप हल्का फुल्का इंटरेक्शन कर चुके हैं, इससे सिर्फ तरह तरह के चलवाएंगे अपन कमांड्स, इससे manage.py से। अभी आपने एक कमांड चलवाया इससे, कौन सा? स्टार्ट प्रोजेक्ट, इसी से चलवाया था ना, क्या लिखा था? पाइथन मैनेज डॉट सॉरी
पाइथन मैनेज डॉट पाय रन सर्वर, स्टार्ट प्रोजेक्ट नहीं सॉरी, पाइथन मैनेज डॉट पाय रन सर्वर। जैसे जैसे आपने रन सर्वर चलवाया है, ऐसे और बहुत सारे कमांड्स हैं जो चलाने का काम करेगी फाइल मैनेज डॉट पाय। तो एक बार क्विक रिव्यू दीजिए मुझे, किसका क्या रोल है जल्दी से? इसका कुछ नहीं, इसका रोल पाइथन के लिए है कि हमारे इस फोल्डर को पाइथन की नजर में माना जाए एक पैकेज। सेटिंग्स डॉट पाय बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हम जब भी कोई नई ऐप बनाएंगे, जब भी डेटाबेस से इंटरेक्ट करेंगे, कुछ इंफॉर्मेशन जेंगो को उसके बारे में देनी होगी, वो दी जाएंगी इन सेटिंग्स डॉट पाय। यूआरएल्स डॉट पाय बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी हम कोई नया फंक्शन बनाएंगे और उसे किसी नए यूआरएल से कनेक्ट करेंगे तो उसकी मैपिंग करेंगे इनसाइड यूआरएल्स डॉट पाय। देन WSGI डॉट पाय फिलहाल किसी काम की नहीं है, जब हमारी साइट लाइव होगी तब हमको इसकी जरूरत पड़ेगी अपने कोड को प्रोडक्शन से डेवलपमेंट की तरफ, डेवलपमेंट से फाइनली डिप्लॉयमेंट की तरफ ले जाने के लिए। मैनेज डॉट पाय की जरूरत पड़ेगी तरह तरह के कमांड्स चलाने के लिए, जेंगो को काम करने के लिए कुछ कमांड्स की जरूरत है। आपने अभी एक कमांड सीखा है मैनेज डॉट पाय का जो लोकल सर्वर को अप करता है, जिसका नाम होता है रन सर्वर। ठीक है, चलिए अब एक और चीज, जब आपने प्रोजेक्ट स्टार्ट करा और जब आपने सर्वर स्टार्ट करा तो जेंगो ने कुछ वार्निंग दी आपको, दिख रही है? कुछ कह रहा है जेंगो आपको? भी कह रहा होगा, ठीक है। एक वर्ड आ रहा है, कौन सा वर्ड आ रहा है पढ़िए स्टार्टिंग में, यू हैव 17 अनअप्लाइड माइग्रेशंस। अब पढ़ते हैं व्हाट आर माइग्रेशंस, आज पढ़ना नहीं है, सिर्फ ओवरव्यू लेना है, पढ़ेंगे एक या दो लेक्चर बाद। पढ़िए, आप मुझे खुद समझाइए व्हाट आर माइग्रेशंस, क्योंकि दिस इज समथिंग जो आप जानते हैं। यहां तक हो गया, अब पढ़िए स्लाइड। यहां 15 वहां 17 क्यों? जेंगो का वर्जन बदल गया, आपको ही 15 आ रहा है तो क्या आपका 2.1.7 है? मेरा 2.2 है तो मुझे 17 माइग्रेशंस की वार्निंग मिल रही है। बहरहाल पढ़िए क्या है ये, ठीक है। जेंगो ने माइग्रेशन वर्ड को लेकर वार्निंग दी है। अब सवाल उठता है ये माइग्रेशन क्या है? कौन समझाएगा? मैंने आपको लास्ट लेक्चर में खूब अच्छे से समझाई थी कहानी। जब आप पाइथन में बैठकर डेटाबेस प्रोग्रामिंग करते हैं तो आप एसक्यूएल क्वेरीज लिखते हैं, उसके लिए एसक्यूएल सीखनी पड़ेगी, क्रिएट अपडेट इंसर्ट डिलीट सबके सिंटेक्सेस पढ़ने पड़ेंगे। जेंगो ने कुछ सॉल्यूशन दिया है एंड दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज ORM। ORM ये कहता है कि आप एसक्यूएल का एस भी मत लिखो, मुझे यूज कर लो, मैं आपके कोड को देखकर जनरेट कर दूंगा टेबल्स, आपके ऑब्जेक्ट को देखकर उस टेबल के अंदर इंसर्ट कर दूंगा रोज। ये जो कोड आप लिखते हैं इसमें जो आप क्लासेस बनाते हैं, those classes are called as model classes, and इन क्लासेस को बैकएंड पे ले जाकर टेबल में कन्वर्ट कर देना, दैट इज द रोल ऑफ समथिंग विच इज कॉल्ड एज माइग्रेशन। तो बहुत सिंपल वर्ड्स में अगर हम बोलें तो मॉडल को डेटाबेस स्कीमा से कनेक्ट करना रोल होता है माइग्रेशन का। एक बार ऑफिशियली पढ़ लीजिए क्या होता है मॉडल और क्या होती है डेटाबेस स्कीमा, ये दो भी नए टर्म्स आए हैं आपके लिए, पढ़िए ध्यान से। हाँ 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 ना करते चलना। जेंगो पाइथन की तरह डेटाबेस से इंटरैक्ट कर सकता है? हाँ। हर डेटाबेस के अंदर डेटा टेबल फॉर्म में होता है? हाँ। हर टेबल के अंदर रोज और कॉलम्स होते हैं? हाँ। हर कॉलम की अपनी एक डेटा टाइप होती है, अपनी एक लिमिट होती है जिस लिमिट का वो डेटा रख सकता है, एंड फाइनली उस पर्टिकुलर टेबल के सारे कॉलम्स को अगर आप मिला लो तो जिसे आप आम भाषा में स्ट्रक्चर बुलाते हो उसे हम डेटाबेस की भाषा में बुलाते हैं डेटाबेस स्कीमा। उदाहरण के तौर पे आपने जब प्रोजेक्ट बनाया था पाइथन पे मोज़िका, तो आपने एक यूजर बनाया था, उसका नाम क्या था? जो आपने ओरेकल में जाकर एक यूजर बनाया था उसका नाम क्या था? म्यूज़िका यूजर था, वो आपके लिए यूजर था, जेंगो के लिए वो डेटाबेस स्कीमा था। उसके अंदर आपने टेबल बनाई थी फेवरेट्स, वो जो फेवरेट टेबल थी वो जेंगो की भाषा में कन्वर्ट हो जाएगी एक मॉडल में। आपने वो टेबल खुद बनाई थी, क्रिएट टेबल कमांड लिखा था, क्रिएट टेबल कमांड जेंगो में आप नहीं लिखेंगे, आप उसकी जगह एक क्लास बनाएंगे किधर? जेंगो में। वो क्लास कहलाएगी मॉडल,
इस क्लास को देखकर जैंगो आपकी वो टेबल क्रिएट कर देगा, और ये करने के लिए जैंगो जो ट्रिक यूज करेगा उस ट्रिक को हम बोलते हैं माइग्रेशंस, और माइग्रेशंस इंटरनली जिसे यूज करते हैं उस ट्रिक का नाम है ORM, विच स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। आप जैंगो हाँ ना में जवाब देना, इसका मतलब जैंगो ये मानकर चलता है कि आप डेटाबेस यूज करोगे ही करोगे, है ना। इसका एक इसके दो प्रूफ्स मैं आपको देता हूँ। नंबर वन, जरा वापस अपने फोल्डर स्ट्रक्चर में आइए और देखिए डेटाबेस से रिलेटेड कोई फाइल दिख रही है क्या। आपने नहीं बनाई है तो भी आ गई होगी वो फाइल, देखिए ध्यान से दिख रही है db.sqlite3। sqlite3 क्यों? कुछ बोला था मैंने अभी 10 मिनट पहले, जैंगो बाय डिफॉल्ट ये मानकर चलता है कि आपका बैकएंड sqlite है, तो इसकी डिटेल मेंशन होगी। कहां मेंशन होगी जल्दी बताओ, कहां कहां कौन सी फाइल में? settings.py। अगर अपन उसको खोल कर देखें ना तो वहां डेटाबेस का एक ऑप्शन होगा और उसमें लिखा क्या होगा, sqlite से रिलेटेड चीजें लिखी होंगी। देखो लेट्स ओपन settings.py। देखना आप ध्यान से, कहीं डेटाबेस दिख रहा है या किसका नाम मेंशन्ड है? और अगर ओरैकल यूज करोगे तो ये एडिट करोगे सेटिंग, बताना पड़ेगा जेंगो को कि मेरा डेटाबेस इंजन ओरैकल है, एंड दिस आल्सो विल बी डन इन settings.py। हुआ क्लियर? ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड माइग्रेशन। तो आप जैंगो मानकर चल रहा है कि आप डेटाबेस यूज करना चाहते हैं, लेकिन डेटाबेस यूज करने के लिए कुछ करना पड़ता है जैंगो में, वो आपने करा नहीं है, तो आपको बोल रहा है आपने माइग्रेशंस एनेबल नहीं करे हैं, तो आपको डेटाबेस का कोड खुद लिखना पड़ेगा। मैं आपके क्लासेस को टेबल में कन्वर्ट नहीं कर पाऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि जैंगो ऐसा करे तो आपको एक सेटिंग ऑन करनी पड़ती है जैंगो में, एंड दैट सेटिंग इज कॉल्ड एज माइग्रेशंस। सो माइग्रेशन हेल्प कन्वर्ट मॉडल्स टू डेटाबेस टेबल्स, दैट इज द रोल ऑफ माइग्रेशन। पढ़िए आगे, जैंगो की पाइथन की तरह एसक्यूएल बेस्ड डेटाबेस इंटरैक्ट करता है। अगर डेटाबेस एसक्यूएल बेस्ड है तो सारा इंटरेक्शन एसक्यूएल क्वेरी के थ्रू होगा। अब या तो वो क्वेरी हम सीखें और या फिर अस पैराग्राफ पढ़िए। वर्किंग विद एसक्यूएल इज क्वाइट डिफिकल्ट, सो टू मेक थिंग्स ईजियर जैंगो हैज प्रोवाइडेड द ऑप्शन ऑफ ORM। ORM क्या करता है पढ़ो, ORM पहली लाइन पढ़ लो बस, हमेशा के लिए याद रहेगी। ORM मैप्स रिलेशनल डेटाबेस टू ऑब्जेक्ट, मतलब SQL के अंदर टेबल होगी वो यहाँ की बन जाएगी क्लास, टेबल के अंदर जो रोज होंगी वो यहाँ के बन जाएंगे ऑब्जेक्ट, टेबल में जो कॉलम्स होंगे वो ऑब्जेक्ट के बन जाएंगे डेटा मेंबर्स। ये कर देगा आपके लिए द टूल कॉल्ड एज ORM। आगे पढ़िए ORM और क्या करता है। क्लास पैरा पढ़िए, क्लास बना दी जैंगो ने माइग्रेशन यूज करके, क्लास की टेबल बना दी। अब आपको लग रहा है टेबल में एक नया कॉलम ऐड करना है, आप डेटाबेस में नहीं जाएंगे, आप क्लास में आकर एक नया डेटा मेंबर ऐड कर देंगे। जैसे ही नया डेटा मेंबर आप अपनी क्लास में ऐड करेंगे, बैकग्राउंड में टेबल में एक कॉलम ऐड हो जाएगा, और ये ट्रिक जैंगो में कहलाएगी माइग्रेशंस। ठीक है, लेकिन अभी हम इससे डील नहीं कर रहे, हम इससे डील करेंगे जब हम डिस्कस करेंगे मॉडल्स। मॉडल्स कब डिस्कस करेंगे? मॉडल डिस्कस करेंगे टेम्पलेट्स के बाद। टेम्पलेट्स कब डिस्कस करेंगे? आज जो पढ़ रहे हैं उसके बाद। आज क्या पढ़ना है? आज हमें व्यूज पढ़ना है और URLs पढ़ना है। ये पढ़ने के बाद फिर हम जाएंगे टेम्पलेट्स पे, इससे हमारी डिजाइनिंग का पार्ट काफी कुछ कंप्लीट हो जाएगा। फिर डेटा कहाँ से आएगा? वो डेटाबेस से आएगा। जब डेटाबेस से आएगा तब आएंगे पिक्चर में मॉडल्स। ठीक है, तो अभी कुछ दिन के लिए इन माइग्रेशन की वार्निंग को नजरअंदाज कीजिएगा। चलिए, ये था आर्किटेक्चर से रिलेटेड डिस्कशन। बढ़ते हैं आगे, स्टार्ट करते हैं अगला पार्ट। अब क्या करना है? अब अपन को जो बिना VS कोड के था वो करना है इन विजुअल स्टूडियो कोड, क्योंकि अब हम दोबारा कभी नोट काम नहीं करेंगे। अब आज से सारा काम, पूरा प्रोजेक्ट बनेगा इन विजुअल स्टूडियो कोड। ठीक, तो सबसे पहले आप विजुअल स्टूडियो कोड में पाइथन को करना पड़ेगा एनेबल। अभी तक नहीं करा होगा, अभी तक आप उसको सिर्फ HTML, CSS और JavaScript के लिए यूज करते थे। तो खोलिए VS कोड और जैसा जैसा कह रहा हूँ वैसा वैसा करते चलिए।
नेट ऑन है? वीएस कोड में सबसे नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा एक्सटेंशंस का, मिल रहा है? क्लिक करिए उसमें, साइड बार आया एक, वहां लिखिए पाइथन। लिखा, कुछ ऑप्शंस आए, उसमें जो सबसे पहला ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट का है, क्लिक करिए उस पर। मेरे पास लिखा हुआ दिख रहा है अनइंस्टॉल, आपको दिखना चाहिए इंस्टॉल। दिख रहा है ग्रीन कलर में इंस्टॉल दिख रहा है? क्लिक कर दीजिए उस पर। क्या कर रहे हैं आप? वीएस कोड को पाइथन एनेबल कर रहे हैं। अब वीएस कोड पाइथन समझने लगेगा तो तुम्हारे में पहले से इंस्टॉल होगा, तुम्हें पता लगा नहीं होगा। अच्छा है ना, हो गया इंस्टॉल। अपन ने लाइव सर्वर डाला था जब एचटीएमएल पढ़ रहे थे, तो ऐसे अपन ये पाइथन के एक्सटेंशन डाल रहे हैं लाइव सर्वर के बिना। और लाइव सर्वर डालने में क्या डिफरेंस है? लाइव सर्वर नहीं डालते हैं तो हमें ब्राउजर लॉन्च करना पड़ेगा, लाइव सर्वर डाल देते तो ब्राउजर वीएस कोड से लॉन्च हो जाता है। ऐसे ही पाइथन का एक्सटेंशन अगर नहीं डालेंगे तो जो पाइथन के कोड आप लिखेंगे उसमें जो एरर्स वगैरह आएंगी वो वीएस कोड आपको बता नहीं पाएगा, कोड लिखते लिखते आपको सजेशंस नहीं दे पाएगा। ये डाल देंगे तो वो पाइथन समझने लगेगा, बिल्कुल पाइचाम की तरह है। आपको इंटेलिजेंस का फीचर मिलेगा, आप किसी पैकेज का नाम लिखकर डॉट लगाएंगे तो उसके मॉड्यूल्स के नाम आ जाएंगे, सिंटेक्स आ जाएगा, सब कुछ दिख जाएगा। इसलिए अपन वीएस कोड के अंदर ये एक्सटेंशन डाल रहे हैं पाइथन का। डाल लिया सबने, हो गया? तो नेट नहीं चल रहा होगा, तो क्यों नहीं हो रहा इंस्टॉल? फिर कुछ भी ढंग से नहीं चलता है क्या? कैसा लैपटॉप है? हो गया, क्या चले आगे? ये तो 2 मिनट में हो जाता है, इतना टाइम क्यों लग रहा है आपको? नेट की स्पीड नहीं होगी, जियो होगा फ्री वाला। हो गया, चले आगे। चलिए, अब एक बार आपने जब पाइथन एबल कर लिया है, अब अपन को विजुअल स्टूडियो कोड में जैंगो का पूरा सेटअप करना है और पूरा प्रोजेक्ट डिजाइन करना है। पढ़िए पहला स्टेप क्या है, ये तो हो गया। क्या करना पड़ेगा? पहले अपने सिस्टम पे जाकर जैंगो एग्जाम्पल्स के अंदर हम एक फोल्डर बना लें, जिस फोल्डर को आप विजुअल स्टूडियो कोड से ओपन करेंगे। गॉट इट? फोल्डर का नाम हम देंगे मा वी एस जैंगो प्रोजेक्ट, उसी फोल्डर में जहां आपका अभी वाला प्रोजेक्ट है, किसमें? जैंगो एग्जाम्पल्स। करिए मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप फॉलो। आइए जैंगो एग्जाम्पल्स फोल्डर में, और जैंगो एग्जाम्पल्स के अंदर
एक नया फोल्डर बनाइए, जगह मत बना दीजिएगा, कहाँ बनाना है? Django Examples के अंदर माय फर्स्ट प्रोजेक्ट के साथ नाम दीजिए जैसा मैं दे रहा हूं, माय VS Django Project. करा? अब कमांड प्रॉम्प्ट से इस फोल्डर में जाइए और वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करिए, और वर्चुअल एनवायरनमेंट का नाम जैसा मैं कह रहा हूं वैसा दीजिए, दैट इज VS Django. क्या करेंगे? इस फोल्डर में जाइए. किस फोल्डर में? VS Django प्रोजेक्ट में जाइए और वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करिए. करिए तो मुझे गाइड करिए, तो कैसे करना है, क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इस सर्वर को बंद कर दीजिए, ये जो आपकी एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन चल रही है इसे बंद कर दीजिए. हम क्या बना रहे हैं? नई ऐप, नया प्रोजेक्ट? नया प्रोजेक्ट बना रहे हैं. ये तो आपने सिर्फ टेस्ट करने के लिए बना के छोड़ दिया, ठीक है, अब हम नया प्रोजेक्ट बना रहे हैं. सबसे पहले सर्वर को बंद कीजिए, बंद करने के लिए कंट्रोल सी. हो गया? कंट्रोल सी जैसे ही प्रेस करेंगे सर्वर स्टॉप हो जाना चाहिए. हो गया? कैसे पता लगेगा सर्वर स्टॉप हो गया है? वो जो Django वाला पेज था उसे रिफ्रेश कीजिए आप, ये चलना बंद हो जाना चाहिए. हाँ बता रहा हूं, कर दिया सर्वर बंद. ठीक, अब इस वर्चुअल एनवायरनमेंट से बाहर निकलिए. कैसे निकलते हैं? कहते क्या लिखूं? कमांड बोलो, माई एनवी शाबाश बैकस्लैश स्क्रिप्ट्स बैकस्लैश डीएक्टिवेट. क्या होगा इससे? वर्चुअल एनवायरनमेंट से बाहर आ जाएंगे, रहेंगे डायरेक्टरी में ही, लेकिन वो माई एनवी हट जाएगा. क्या नाम है? माई एनवी. ओ सॉरी, गलत जगह पे लिख रहा हूं मैं. इससे आना है बाहर. यहां पर ये कमांड लिखिए तो आपका वर्चुअल एनवायरनमेंट डीएक्टिवेट हो जाएगा. हो गया? चलें आगे. आगे सब यहां तक आप जाना है वो जो फोल्डर बनाया उसमें. क्या नाम है फोल्डर का? माय VS Django प्रोजेक्ट. कहां है वो फोल्डर? Django एग्जाम्पल में. तो इससे एक स्टेप पीछे आए और यहां लिख दें CD माय VS Django प्रोजेक्ट. आ गए यहां तक? ठीक है, अभी विजुअल स्टूडियो में अपन. अब यहां पर बनाइए एक वर्चुअल एनवायरनमेंट, VSENV नाम दीजिए उसका. VSENV कैसे बनाएंगे? क्या कमांड है बोलो? वर्चुअल, वेरी गुड, वर्चुअल ईएनवी VS विजुअल स्टूडियो ईएनवी. एंटर. हो गया? बन गया? कंप्लीट. चलिए आप पढ़िए अगला स्टेप क्या है, बताइए. क्या करना है? आराम से पहले तीन स्लाइड्स पढ़ो, फिर अपन प्रैक्टिकल शुरू करते हैं. क्या करना है? VS कोड ओपन करना है. उसमें कौन सा? ये माय VS Django प्रोजेक्ट. उसके बाद टर्मिनल ओपन करना है आपको. टर्मिनल समझ रहे हैं?
ये जो कमांड प्रॉम्प्ट आ रहा है ये वीएस कोड के अंदर भी आ जाएगा, तो आपको इस कमांड प्रॉम्प्ट पे आने की आवश्यकता नहीं है। अब बंद कर दीजिए इसको, इसमें आने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, आप वीएस कोड से ही लिख भी पाएंगे और वहीं बैठकर कमांड प्रॉम्प्ट से कोड रन भी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा बताइए, वीएस कोड में कहाँ जाना पड़ेगा, ऊपर एक मेन्यू मिलेगा विच इज कॉल्ड व्यू, है व्यू के अंदर एक ऑप्शन मिलेगा कॉल्ड कमांड पैलेट, जब उसको क्लिक करेंगे तो पाइथन के इंटरप्रेटर का नाम पूछेगा, आपने जो वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाया है किस नाम से, उसको ओपन कर देना है। और इसके बाद वर्चुअल एनवायरनमेंट ओपन करने के बाद आपको टर्मिनल ओपन करना है, टर्मिनल ओपन करने के लिए टर्मिनल में जाकर सेलेक्ट कर देना है न्यू टर्मिनल, ठीक है। अब पहले आप मेरे साथ करिए, उसके बाद अपने सिस्टम पे कीजिएगा, ठीक है। एक बार मुझे गाइड करिए क्या करूं, सबसे पहला काम फोल्डर खोले, पहले हम सबसे पहले फोल्डर ओपन करेंगे, कैसे करेंगे जल्दी जल्दी बताइए फटाफट, फाइल वेरी गुड, ओपन फोल्डर कहाँ जाएंगे, जैंगो एग्जाम्पल्स वेरी गुड, जैंगो एग्जाम्पल्स में किसे लेकर आएंगे, वीएस जैंगो प्रोजेक्ट को, ये सेलेक्ट करके ओपन कर लीजिए, हो गया। अब इसके बाद क्या सीखा, क्या करेंगे, व्यू में जाएंगे, फिर कमांड पैलेट में जाएंगे, फिर यहां पाइथन आ नहीं रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, सेलेक्ट पाइथन इंटरप्रेटर, ये रहा, ये सेलेक्ट करेंगे पाइथन सेलेक्ट इंटरप्रेटर, जैसे क्लिक करेंगे वीएस स्टूडियो आपको दो ऑप्शंस देना चाहिए, एक नॉर्मल पाइथन और एक आपका वर्चुअल एनवायरनमेंट, सेलेक्ट करेंगे इसको, जैसे ही सेलेक्ट करेंगे यहां पर देखिएगा पाइथन के वर्चुअल एनवायरनमेंट का नाम आ जाना चाहिए, आ गया बिल्कुल लेफ्ट पे आ रहा है। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद टर्मिनल को लॉन्च करेंगे, टर्मिनल और न्यू टर्मिनल जैसे ही क्लिक करेंगे वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट होकर यहां दिख जाएगा, अभी बता रहा हूं, अभी यहां तक आए नहीं आए,
आ गया, एनवायरमेंट आ गया आपका, लॉन्च हो गया, ठीक हो गया सबका, नहीं हुआ? सेलेक्ट इंटरप्रेटर के बाद वहां वर्चुअल एनवायरमेंट चूज करना है, फिर कर दूं? चलो देखो देखो, फिर से कर देता हूं। विजुअल स्टूडियो पे राइट क्लिक करा, राइट क्लिक करके अपन ने सेलेक्ट करा रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, ओपन हो गया, ठीक है। अपना फोल्डर लॉन्च ओपन कर लीजिए, इसको भी मैं क्लोज कर देता हूं। चलो आप तो शुरू से करो। फाइल में गए, फाइल में जाने के बाद ओपन फोल्डर, ओपन फोल्डर में जाने के बाद जैंगो एग्जांपल्स में माय वीएस जैंगो प्रोजेक्ट करो, इतना कर लिया, ओपन हो गया फोल्डर। देख लो आप एक बार, लेफ्ट साइड पे आपको आपके प्रोजेक्ट फोल्डर का नाम दिख रहा है, दिख रहा है? इसके बाद व्यू में जाइए, गए व्यू में, कमांड पैलेट गए, एक विंडो आई, उस विंडो में टाइप करो पाइथन सेलेक्ट इंटरप्रेटर, पूरा टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑप्शंस में आ जाएगा, पाइथन कोलन सेलेक्ट इंटरप्रेटर, आया? अगर नहीं आ रहा है तो आपने पाइथन का एक्सटेंशन नहीं डाला है। आ गया, इसको क्लिक करो, इसको क्लिक करते ही दो ऑप्शंस दिखने चाहिए पाइथन के, देखे उसमें से एक होगा नॉर्मल पाइथन जो ग्लोबल इंस्टॉल्ड पाइथन है, और एक आपका वर्चुअल एनवायरनमेंट वाला पाइथन। वर्चुअल एनवायरनमेंट पे क्लिक कर दीजिए, करा या नीचे आ गया VSENV, और आप हो गया। अब इसके बाद टर्मिनल ओपन कीजिए, टर्मिनल न्यू टर्मिनल, तो देखना यहां ऑटोमेटिकली आपका जो वर्चुअल एनवायरनमेंट है वो एक्टिवेट होकर आ जाएगा। क्या नहीं करना पड़ेगा, एक्टिवेट कमांड लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो टर्मिनल न्यू टर्मिनल, यहां तक आ गए सब, ठीक। अब अगला स्टेप जल्दी बताओ, अगला स्टेप, अगला स्टेप जैंगो इंस्टॉल करेंगे आप, क्योंकि नया वर्चुअल एनवायरनमेंट है ना, वो जो पिछला वाला था और ये वाला है दोनों अलग अलग हैं, तो यहां जैंगो नहीं है, अभी नहीं है, प्रूफ है कि जैंगो नहीं है? हाँ चेक करके देखो, पाइथन -m जैंगो डबल डैश वर्जन, क्या मैसेज आ रहा है? नो मॉड्यूल नेम जैंगो आ रहा है, कमांड ही गलत लिखा होगा, अभी देख रहा हूं आ रहा है नो मॉड्यूल फाउंड जैंगो, इसका क्या मतलब है? आपने अभी जैंगो इंस्टॉल करा था ना, अभी करा था ना, क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि उसका वर्चुअल एनवायरनमेंट था MyENV, इसका वर्चुअल एनवायरनमेंट है VSENV, दोनों वर्चुअल एनवायरनमेंट अलग अलग हैं, दोनों एक दूसरे को नहीं रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। क्या करेंगे अब? अभी आ रहा हूं, रुक जाओ, बाकी इन लोगों का करवा दूं, किसी का भी नहीं हो रहा क्या? हो गया, तो आप लोग तो जैंगो इंस्टॉल करो, चलो लिखो कमांड, क्या लिखोगे? पिप इंस्टॉल जैंगो लिखो, जिनका नहीं हो रहा है दिखाएं जल्दी, रनिंग स्क्रिप्ट डिसेबल्ड आ रहा है बता रहा हूं मैं, लाओ दो, वो पावर शेल के कारण आ रहा होगा। लो आ गया VSENV, चलो सीखो। किसका किसका नहीं चल रहा है? किसी का भी नहीं चल रहा है। देखो देखो, ये मैसेज आ रहा है रेड वाला आ रहा है, ये मैसेज आपको ये बता रहा है कि आप इस समय पावर शेल पे हो, पावर शेल विंडोज का एक और प्रॉम्प्ट होता है जो आपको वर्चुअल एनवायरनमेंट चलाने नहीं देता। तो वहां एक प्लस का आइकन दिख रहा है, देखो पावर शेल लिखा हुआ है जहां उसके राइट पे दिख रहा है, उस प्लस पे क्लिक करो, विजुअल स्टूडियो बोलेगा
आप कस्टमाइज कर लीजिए, दे रहा है कस्टमाइज का बटन बेटा, यहाँ दिखेगा प्लस, यहाँ वाले प्लस पे क्लिक करना है तो यहाँ कस्टमाइज आएगा, आया, क्लिक करो कस्टमाइज पे, विंडोज कमांड प्रॉम्प्ट आ रहा है लिखा हुआ, सेलेक्ट कर लो उसको, देखो एक्टिवेट हो जाएगा आपका वर्चुअल एनवायरनमेंट, हो गया। ये किसका था? चलो बाकियों की भी दुविधा दूर करो, करो आपने सीखा ना, करो इनको सपोर्ट करो, इनका हेल्प करो, इनका ठीक करो, कैसे करना है। आप लोग का हुआ, आ गया एनवायरनमेंट एक्टिवेट हो गया, गुड। देखो करो यहाँ प्लस पे क्लिक करो, कस्टमाइज कमांड प्रॉम्प्ट आ गया, क्या दिक्कत? यहाँ प्लस पे क्लिक करो, नहीं होगा बेटा, किल कर दो इसको, हाँ उसने कर दिया होगा चेंज, विंडोज का कमांड प्रॉम्प्ट हट गया होगा, बैश पे करना पड़ेगा तुम्हें, मैक की तरह चलेगा ये। ये तो प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, आप बैश पे चलाओ इसको। हाँ बेटा तुमने फोल्डर ओपन करा है, जब फोल्डर करोगे नहीं ओपन तो कहाँ से शो करेगा, आधी बात सुनते हो। बनाया है फोल्डर माई जेंगो एग्जाम्पल में, माई वी एस जेंगो प्रोजेक्ट, कि नहीं बनाया है? चलो कहाँ है जेंगो एग्जाम्पल, कहाँ आपका ये बंद है क्या? अच्छा एक मिनट आ रहा हूँ। ग्रीन हो गया वो, हाँ आ जाएगी, हमेशा रन एज एडमिनिस्ट्रेटर से तो, हाँ आ गया, चलिए आ गया सबका वी एस ई एन वी, नेट ऑफ है आपका, नहीं चल रहा है, नेट रोक रहा है। पिप इंस्टॉल जाएंगो, करेक्टिंग जाएंगो, रीट्राइंग, कोई वो है एंटीवायरस डाला हुआ या वो डाला हुआ है, फायरवॉल डाली हुई है, कुछ तो है, नेट नहीं चल रहा है तुम्हारे इस पे प्रॉपर, ये नेट की प्रॉब्लम है। हाँ ठीक है ना, अब ये क्या दिक्कत हो गई, ये आ गया, पाइथन का इंटरप्रेटर डाल लिया, वो इंस्टॉल हो रहा है अभी, नेट धीरे चल रहा है, कुछ दिन के लिए ना नेट ढंग का ले लो, जो फ्री वाले हो छोड़ छाड़ के कोई सब्सक्रिप्शन ले लो आप, चलिए आप पिप इंस्टॉल कर लेते हैं, पिप इंस्टॉल जैंगो,
हाँ जी, हो गया ठीक। अब एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए। पाइथन माइनस एम, जैंगो डबल डैश वर्जन आ जाना चाहिए 2.2। बताइए यहां तक क्या क्या हुआ, क्या कर लिया अभी तक अपन ने? अपन ने विजुअल स्टूडियो में जैंगो का डेवलपमेंट एनवायरनमेंट कॉन्फ़िगर कर लिया। कोई ऐप बनाई, कोई प्रोजेक्ट बनाया नहीं, सिर्फ एनवायरनमेंट कॉन्फ़िगर हुआ। ठीक, अब अगला काम क्या है? अरे जल्दी बताओ, प्रोजेक्ट बनाना, याद करना पड़ेगा, टाइम लगेगा आपको, है ना? तो सबसे पहले क्या करते हैं, अब ऐसे ही करना है। सबसे पहले अपने मेन फोल्डर में जाकर एक फोल्डर बनाकर वहाँ वर्चुअल एनवायरनमेंट बना देते हैं, फिर विजुअल स्टूडियो को अप करते हैं, फिर इस फोल्डर को विजुअल स्टूडियो में ओपन करते हैं, फिर टर्मिनल खोलते हैं, तो अपने आप वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट हो जाएगा। फिर जैंगो को इंस्टॉल करना है, ठीक है? अब बनाते हैं अपन अपना प्रोजेक्ट के ऐप। प्रोजेक्ट पहले बनता है, प्रोजेक्ट फिर बनती है ऐप। चलिए कमांड लिखिए जैसा स्लाइड में शो हो रहा है। यहां तक हो गया, ये हो गया, लिखिए कमांड। कहाँ लिखेंगे? वीएस कोड के टर्मिनल में। किस फोल्डर के अंदर? माय वीएस जैंगो प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर, जिसे आप अभी फर्स्ट प्रोजेक्ट बोल रहे थे, अब मैं उसका नाम डेमो प्रोजेक्ट रख रहा हूं। लिखो कमांड जल्दी। और बताओ विजुअल स्टूडियो में इस कमांड लिखने के बाद क्या हुआ? और विजुअल स्टूडियो उस प्रोजेक्ट की सारी फाइलें आपको दिखा देगा। आओ इधर आओ, यहां बैठो आके। ये क्या पिप क्यों चला रहे हो बेटा? याद हो गया? कुछ नहीं हुआ, तो पिप चला रहे थे यहां से ऊपर से। हो गया, क्या हुआ, क्या इफेक्ट हुआ बताओ इस कमांड को लिखने का? देखा आपको इफेक्ट? यहां लेफ्ट साइड पे आप देखना, नंबर ऑफ फाइल्स और फोल्डर्स बढ़ जाएंगे। ठीक, तो जैंगो डैश एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट डेमो प्रोजेक्ट, क्लियर, एंटर। कुछ हुआ वहां पे? ठीक, वो सारा फोल्डर स्ट्रक्चर दिख गया होगा जो मैंने आपको अभी समझाया है। क्लिक करो आप डेमो प्रोजेक्ट पे। ये दूसरा डेमो प्रोजेक्ट कौन है? ये ऐप है, फिर मैनेज डॉट पाई है। ठीक है, यहाँ से इसकी कोडिंग भी आप देख सकते हैं, ये पूरी मैनेज डॉट पाई की कोडिंग है। इस पर आपको कुछ नहीं करना है, इसकी कोडिंग में आपको एडिटिंग करनी है? नहीं, आपको एडिटिंग करनी है दो जगह, यूआरएल्स डॉट पाई और सेटिंग्स डॉट पाई। इस पर कुछ नहीं करना है, ये सिर्फ कमांड चलाने के लिए फाइल यूज होगी, तो इसको हम नहीं छेड़ेंगे कभी भी। ठीक, ऐसे ही आप देख सकते हैं कोडिंग ऑफ सेटिंग्स डॉट पाई, ये सेटिंग्स डॉट पाई के अंदर का कोड है। इस कोड से अभी इंटरेक्ट करेंगे हम थोड़ी देर में, राइट? और ये यूआरएल्स डॉट पाई के अंदर का कोड है, इससे भी हमारा इंटरेक्शन होने वाला है। ठीक है, तो ये सब अभी फिलहाल कर दीजिए बंद। चले आगे, हो गया ठीक। अब यहां से जरा प्रोजेक्ट को एक बार टेस्ट कर लें। प्रोजेक्ट बन गया कि नहीं बना? बन गया, ऐप बन गई। हाँ, एक डिफॉल्ट ऐप तो जेंगो बना के देता ही है। किस नाम से? प्रोजेक्ट के ही नाम से। तो हमारी ऐप का नाम क्या है? डेमो प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का नाम क्या है? डेमो प्रोजेक्ट। कैसे टेस्ट करें? हाँ बोलो, कमांड बोलो, कहाँ से लिखते हैं कमांड? हाँ, और अभी हम फोल्डर के अंदर हैं, तो सीडी डेमो प्रोजेक्ट। आ गए प्रोजेक्ट के अंदर, क्या लिखेंगे आप कमांड? पाइथन, वेरी गुड, मैनेज डॉट पाई और रन सर्वर। अब विजुअल स्टूडियो आपको एक और अच्छी चीज देगा, देखना अभी। लॉन्च हो गया, अब ये देखो इसको क्लिकेबल कर रहा है वो, सिर्फ कंट्रोल दबाकर इसको क्लिक कर दो, आपके ब्राउजर में ओपन हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ये जो देख रहे हो ये क्लिकेबल है, देखो यूआरएल आ रहा है, उस पर लिंक आ रहा है, कंट्रोल की दबाओ और इसको क्लिक कर दो।
जैसे क्लिक करोगे आपका जो डिफॉल्ट ब्राउजर है वो ओपन हो जाएगा, उसमें साइट आपकी चलने लगेगी। चले आगे शुरू करें। तो ब्राउजर कॉन्फ़िगर्ड नहीं होगा विजुअल स्टूडियो में, कोई बात नहीं, तुम तो कॉपी करके चला लो अभी, फिर देखता हूं मैं। हो गया, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब एक कदम और लेते हैं। ये आपका विजुअल स्टूडियो से प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, अब अपन को ये आउटपुट बदलना है। तो क्या आप बताएंगे ये किसका आउटपुट है? ये आउटपुट है जेंगो के डिफॉल्ट ऐप का, ऐप का के प्रोजेक्ट का, ऐप का, प्रोजेक्ट नहीं चलता, चलती ऐप है। अब हमें एक और प्रोजेक्ट के ऐप ऐप बनानी चाहिए और इस पेज की जगह हमें हमारा आउटपुट जनरेट करना चाहिए, राइट? तो सब आपका एक्शन में आ जाएगा जितनी थ्योरी आप 2 दिन से पढ़ रहे हैं। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम जा रहे हैं इस डेमो प्रोजेक्ट के अंदर एक ऐप बनाएंगे, जिसे रन करेंगे तो लिखा हुआ आएगा वेलकम टू शर्मा कंप्यूटर अकेडमी इंस्टेड ऑफ दिस रॉकेट, ठीक? तो अब हमें कस्टमाइज करना है जैंगो के डिफॉल्ट पेज को रिप्लेस करके अपने पेज से। चलिए लेट्स स्टार्ट। यहां तक हो गया, नाउ लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट पार्ट। एक बार फिर बताइए, व्हाट इज एन ऐप? एन ऐप इज अ पार्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट परफॉर्मिंग अ पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी, है ना? तो ये तो आप पढ़ ही चुके हो। तो मान लीजिए अगर हम पोलिंग ऐप बनाते हैं, पोलिंग वेबसाइट बनाते हैं, तो लोगों का उस पर रजिस्टर कर पाना, पोल दे पाना, कमेंट्स दे पाना, लाइक कर पाना, डिसलाइक कर पाना, फंक्शनैलिटीज परफॉर्म बाय डिफरेंट डिफरेंट एप्स। पढ़िए, जेंगो में ऐप बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। विजुअल स्टूडियो अपने प्रोजेक्ट को ओपन करने के बाद करने पड़ते हैं ये 6 स्टेप। इस 6 स्टेप से पहले क्या क्या होना चाहिए? विजुअल स्टूडियो चल रहा है ये मान लिया गया है, आपने अपना प्रोजेक्ट फोल्डर विजुअल स्टूडियो में ओपन कर लिया है, जैंगो इंस्टॉल हो गया है वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर और एक प्रोजेक्ट बना लिया है आपने, किस नाम से? फिलहाल डेमो प्रोजेक्ट। अब आते हैं नए 6 स्टेप, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, खूब कंफ्यूजन होगा, मैं पहले बोल रहा हूँ, खूब अच्छे से डाउट्स पूछना, बस आराम से देखते चलो और प्रैक्टिकल करते चलो, डाउट दूर होते चलेंगे। सबसे पहला स्टेप है ऐप क्रिएट करना। कैसे करते हैं ऐप क्रिएट? पढ़ो, सेम कमांड है, बस स्टार्ट प्रोजेक्ट की जगह स्टार्ट ऐप लिखना है। कहाँ लिखना है, कहाँ पर लिखना है आपको ये कमांड? कहाँ लिखा है नीचे बताया बताया जा रहा है, कहाँ जाकर लिखना है ये कमांड? उस फोल्डर में जाकर लिखना है जिसमें मैनेज डॉट पाई फाइल है। मैनेज डॉट पाई किसके अंदर है? डेमो प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट के अंदर के डेमो प्रोजेक्ट ऐप के अंदर? देख के बताओ, डेमो प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट के अंदर। कंफ्यूज हो रहे हैं आप, वापस खोलूं? एक मिनट, डाउट अभी दूर होना चाहिए। देखो अभी अपन ने डिस्कस करा था यह स्ट्रक्चर, ये दोनों डेमो प्रोजेक्ट है ना, जो फर्स्ट प्रोजेक्ट दिख रहे हैं, ये वाले फर्स्ट प्रोजेक्ट के अंदर मैनेज डॉट पाई है ना। ये क्या है फर्स्ट प्रोजेक्ट? ये प्रोजेक्ट है क्या ऐप है? ये प्रोजेक्ट है और ये ऐप है ना। तो आपका भी जो बाहर वाला डेमो प्रोजेक्ट है उसमें मैनेज डॉट पाई है ना, उस फोल्डर में जाकर आपको ये कमांड रन करना है। तो अभी आप विजुअल स्टूडियो में कौन से फोल्डर के अंदर है, जल्दी बताइए। अभी आप विजुअल, अच्छा इसको पहले स्टॉप कीजिए, स्टॉप करने के लिए एज यूजुअल कंट्रोल सी। अभी कहाँ है आप? डेमो प्रोजेक्ट में, यहीं से आपको कमांड रन करना है, ठीक? कमांड बोलिए पाइथन, हाँ कमांड बोलिए जैंगो डैश एडमिन, आगे स्टार्ट ऐप, और इस बार ऐप का नाम है ग्रीटिंग्स ऐप, ठीक है, एज पर द स्लाइड, ठीक है, एंटर स्ट्राइक कीजिए और बताइए कुछ फोल्डर स्ट्रक्चर बना?
इसको मिनिमाइज कर देते हैं अपन, ठीक, देखिए क्या होता है। कुछ हुआ? अब आप ध्यान से देखिए, ये कौन है? डेमो प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट है। अब इसके अंदर दो ऐप्स हो गई हैं, हो गई हैं, कौन कौन? एक डेमो प्रोजेक्ट जो डिफॉल्ट ऐप है, और एक आपकी ऐप, क्या नाम है उसका? देखिए दिख रही है दोनों, दिख रही है? ये डेमो प्रोजेक्ट हो गया अंदर वाला, इसको मिनिमाइज हटा दो, ये आपकी ग्रीटिंग्स ऐप। ये स्ट्रक्चर सबको दिख रहा है, बन गया, ठीक है। अब मुझे प्रिंट करना है वेलकम टू शर्मा कंप्यूटर एकेडमी। क्या थ्योरी सीखी थी, क्या करना पड़ेगा? मुझे एक पाइथन का फंक्शन बनाना पड़ेगा। कहां बनते हैं फंक्शंस? व्यूज डॉट पीवाई नाम की फाइल में। क्या व्यूज डॉट पीवाई नाम की फाइल दिख रही है? दिख रही है ग्रीटिंग्स ऐप में? बाय डिफॉल्ट ये फाइल बिल्कुल ब्लैंक होगी, क्लियर। तो आज का नया रूल, जितनी भी कोडिंग की जाएगी टू डिस्प्ले सम आउटपुट, दैट विल गो इनसाइड द फाइल व्यूज डॉट पीवाई इन द फॉर्म ऑफ पाइथन फंक्शंस, इन द फॉर्म ऑफ पाइथन फंक्शन। पढ़िए इस चीज को स्लाइड में आप जल्दी से। नहीं, नहीं मिलेगा, क्योंकि वो डिफॉल्ट ऐप थी, उसमें नहीं मिलेगा आपको। डेमो प्रोजेक्ट ऐप views.py नहीं मिलेगी, आप जो बनाएंगे स्टार्ट ऐप से उसमें मिलेगी। हाँ, आप कर सकते हैं अपने मन से उसमें, ठीक है। अब आते हैं वापस स्लाइड पे, पढ़िए स्लाइड क्या कह रही है। और उससे भी पहले ये बताइए, स्लाइड आपको कुछ फोल्डर्स और फाइल्स बताएगी, समझ में आ रहे हैं आपको? ये इतने सारे फोल्डर फाइल बने, देखो, ठीक है। इसमें से 90% आपको पता चलेगा क्या है, जो 10% नया है वो मैं बता देता हूँ। शुरू करें, माइग्रेशंस, जल्दी बताओ। इसको आप तब यूज करेंगे जब आप माइग्रेशन वाली वार्निंग हटाएंगे, तो इसके अंदर पूरा ORM का कोड होगा जो आपकी हेल्प करेगा। init.py जो ये बता रहा है, दिस प्रोजेक्ट कैन बी ट्रीटेड एज अ पैकेज। admin.py, इसमें एडमिनिस्ट्रेटर की फंक्शनैलिटी की कोडिंग होगी। आपको लगेगा सर एडमिनिस्ट्रेटर फंक्शनैलिटी माने? एडमिनिस्ट्रेटर फंक्शनैलिटी माने जो बंदा साइट चला रहा है, क्या वो साइट में कुछ कंटेंट्स अपलोड करना चाहेगा? सोचिए, हम लोग sclive.in चलाते हैं, तो हम लोग टेस्ट पेपर्स डालते हैं, अनाउंसमेंट्स करते हैं, आपको आपके प्रोजेक्ट के बारे में फाइल्स देते हैं। तो जो आप पाइथन का प्रोजेक्ट कर रहे थे, उसकी सारी फाइल्स sclive.in पे अपलोड हो रही थी। दैट ऑल फंक्शनैलिटी इज कॉल्ड एज एडमिन फंक्शनैलिटी। अगर आप ये काम PHP में करोगे तो आपको इसका पूरा कोड लिखना पड़ेगा। Django में सारा कोड लिख दिया है, बस आपको अपने हिसाब से उसमें छोटे मोटे करने हैं चेंजेस। तो जब हम साइट का एडमिन वाला पार्ट हैंडल करेंगे, तब यूज करेंगे फाइल admin.py, apps.py। इससे आपका कम इंटरेक्शन होगा, इसमें आप ऐप से रिलेटेड फंक्शनैलिटी डालते हैं जिसकी अभी आपको जरूरत नहीं है। models.py बहुत इंपॉर्टेंट फाइल, जब आप डेटाबेस से इंटरेक्ट करेंगे तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से करेंगे। कौन दोनों? माइग्रेशंस और models.py। test.py, जब प्रोजेक्ट बन के तैयार हो जाएगा, इससे पहले कि आप उसको इंटरनेट पे लाइव करें, आप अपने प्रोजेक्ट की टेस्टिंग करना चाहेंगे। जब आप प्रोजेक्ट की टेस्टिंग करेंगे तो फाइल यूज करेंगे test.py। और सबसे ज्यादा जिस फाइल से इंटरेक्ट करेंगे, दैट इज views.py। क्या होगा इसके अंदर? सिर्फ एक चीज, फंक्शन। फंक्शन के फंक्शंस, क्यों? क्योंकि हम कई सारे URLs पे चाहेंगे कि अलग अलग फंक्शंस चलें। अभी जो मैं बनाने जा रहा हूँ वो होम पेज होगा, जो लिख कर देगा वेलकम टू शर्मा कंप्यूटर अकेडमी। फिर मैं चाहूंगा यूजर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर देख पाए, यूजर मेरे बारे में डिटेल्स जान पाए। इन सब के अलग अलग URLs होंगे, उन URLs के अलग अलग फंक्शंस होंगे, लेकिन सारे फंक्शन कोड एक ही फाइल में होंगे जिसका नाम होगा views.py। सो वन ऐप कंटेन्स वन views.py, वन views.py कंटेन्स हंड्रेड्स ऑफ फंक्शंस, एंड ऑल दीज फंक्शंस आर कनेक्टेड टू डिफरेंट URLs, ठीक। और urls.py की भी जरूरत पड़ेगी, हाँ, उसको भी हमको हैंडल करना पड़ेगा, तो वो भी अभी करते हैं। एक बार पढ़ लो तो आप, इस फाइल ने आपको समझ में आई? पढ़ो, इस डायरेक्टरी के अंदर कुछ नहीं है फिलहाल, बताओ क्यों नहीं है? ये माइग्रेशंस खाली पड़ा हुआ है, क्योंकि आपने अभी डेटाबेस रिलेटेड कुछ करा ही नहीं है। Django ने वार्निंग दी, आपने उस वार्निंग को नजरअंदाज कर दिया। यहां भी आई है वार्निंग, हाँ, ये देखो, ये Django की वार्निंग आ रही है, यू हैव 17 अनअप्लाइड माइग्रेशंस, राइट। तो जब माइग्रेशंस करेंगे तो इस फोल्डर में अपने आप एंट्रीज आ जाएंगी। आगे बढ़िए,
सेकंड पॉइंट पढ़िए, मतलब 17 टेबल्स या 17 चीजें हैं जो आपको आपके प्रोजेक्ट में करनी चाहिए फॉर डेटाबेस, आपने एक भी नहीं की है। फॉर डेटाबेस टू फंक्शन प्रॉपरली, चलिए बढ़े आगे। इनिट पाए सेम, नया कुछ भी नहीं है। इसके अंदर क्या कोड होगा? कुछ नहीं, खाली होगी ये फाइल। बस ये फाइल ये बता रही है पाइथन को, दिस फोल्डर हैज टू बी ट्रीटेड एज अ प्रोजेक्ट। आगे बढ़ो, पढ़ो, मैं आपको दिखाऊं एडमिन ऐप। देखो तो आपको समझ में आएगा मैं एडमिन फंक्शनलिटी की बात जो कर रहा था उसका क्या मतलब है। सर्वर को एक बार फिर अप कर रहा हूं, कैसे करेंगे? बस ये कमांड आपको रट जाना चाहिए, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई सर्वर। देखो मैं आपको एडमिन की फंक्शनलिटी दिखाता हूँ, आप बताना ये पेज कहाँ से आया, कैसे आया। यहाँ लिखो फॉरवर्ड स्लैश एडमिन, ये पेज जावा होती, पीएचपी होती, डॉटनेट होती तो अपन बनाते, जेंगो ने बना बनाया दिया, और बूटस्ट्रैप वगैरह सब लगा हुआ है, सीएसएस वगैरह सब लगी हुई, इतना सुंदर। दिस इज द पावर ऑफ जेंगो। अब आपको क्या करना है, आपको बस अपना अकाउंट बनाना है। जैसे आप अपना अकाउंट बनाएंगे आपके सामने एक और पेज खुलेगा, वो पेज आपको बोलेगा साइट में क्या मटेरियल अपलोड करना है बताओ, क्या फोटोज अपलोड करनी है आप बताओ। तो आप मान लो आप अमेजोन पे प्रोडक्ट बेच रहे हो, तो आपके लिए ये पार्ट काम आएगा, ये पार्ट आपको ऑप्शन देगा कि आप अपने प्रोडक्ट की डिटेल्स अपलोड कर पाओ, सब चीजें अपलोड कर पाओ, पूरी कोडिंग है, आपको सिर्फ इसको एक्टिव करना है। और ये एक्टिव क्यों नहीं है अभी? क्योंकि अभी आपने माइग्रेशन ऑन नहीं करे। ऑन कर देंगे तो आपको एक डिफॉल्ट यूजर नेम और पासवर्ड मिलेगा जिसको यूज करके आप एडमिन वाले पार्ट की फंक्शनैलिटी यूज कर पाएंगे। तो ये पेज ऑटोमेटिकली डिजाइंड है जो जेंगो ने आपको दिया है। ये यूआरएल है, इसकी मैपिंग होगी कहाँ? वेरी गुड, और जेंगो ने करी होगी। हाँ, क्योंकि ये पेज भी जेंगो ने बनाया है। अब ऐसे ही मैं एक पेज बनाऊंगा तो मुझे उसकी करनी पड़ेगी मैपिंग। क्लियर? चलिए, तो ये तो हो गई एडमिन की बात, जो होपफुली दो लेक्चर बाद हम पहुंचेंगे मॉडल्स पे तब करेंगे। आगे बढ़ते हैं apps.py, इसमें ऐप से रिलेटेड कुछ कॉन्फ़िगरेशन की सेटिंग्स होती है वो आप करेंगे, वो भी अभी आपके लिए काम की नहीं है तो इसको फिलहाल इग्नोर कर रहा हूं मैं। ये बहुत काम की है आने वाले दो लेक्चर्स में। इसे क्या करेंगे? डेटाबेस प्रोग्रामिंग करेंगे, ब्रॉड वर्ड्स में अगर बोलें, विदाउट राइटिंग SQL। पाइथन में लिखनी पड़ी थी या नहीं लिखनी पड़ेगी, ऑटोमेटिकली आपकी क्लासेस कन्वर्ट हो जाएंगी टेबल्स में यूजिंग ORM टूल। ये कब करेंगे? जब प्रोजेक्ट बनके तैयार हो जाएगा, उसको लाइव करने वाले होंगे, उससे पहले हम प्रोजेक्ट की इनहाउस टेस्टिंग करेंगे, उस टेस्टिंग में हमारी मदद करेगी test.py फाइल। एंड दिस इज द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइल। नाम क्या है? views.py। इसके अंदर क्या होते हैं? पाइथन बेस्ड फंक्शंस होते हैं। हर फंक्शन कुछ आउटपुट जनरेट करता है और वो आउटपुट ब्राउजर पे शो होता है। चलें आगे। इसका मतलब यूजर के बटन क्लिक के बाद जो भी फंक्शनैलिटी होती है वो की जाती है इनसाइड views.py फाइल। तो गेस करिए, दो नंबर ऐड करने का कोड लिखना है आगे चलकर हमें जेंगो में। ठीक, दो नंबर आएंगे कहां से? HTML से। यूजर HTML पेज पे लिखेगा, बटन दबाएगा, कौन सा बटन? सबमिट बटन के नॉर्मल बटन, सबमिट बटन। नॉर्मल बटन की तो कोई फंक्शनैलिटी नहीं होती, जैसे ही वो सबमिट दबाएगा ये views.py एक्टिव हो जाएगी, इसके अंदर का एक फंक्शन रन होगा, वहां के दो नंबर इस फंक्शन के पास आएंगे, ये फंक्शन उन दो नंबरों को ऐड करेगा और फिर ये फंक्शन एक आउटपुट देगा, वो आउटपुट जाएगा ब्राउजर के पास। तो फिर मैं ये मान लूं यही फाइल, हाँ ना में जवाब देना, यही फाइल पाइथन वाला इनपुट है और यही फाइल पाइथन वाला प्रिंट है। नहीं आई मेरी बात समझ में? पाइथन में यूजर से इनपुट से लेते हो, यहां इनपुट इसी से मिलेगा, पाइथन में स्क्रीन पे आउटपुट प्रिंट से प्रिंट करते हो, यहां आउटपुट यही जनरेट करेगा, यानी यही आएंगे सारे इनपुट्स, किससे? यूजर से, ब्राउजर से, यही सारी कैलकुलेशंस होंगी और आउटपुट भी यहीं से होगा जनरेट, राइट? जब आउटपुट बहुत बड़ा और बल्की होगा तो फिर ये अपना आउटपुट देने का काम अनलोड कर देगा टेम्पलेट्स पे, फिर टेम्पलेट्स आउटपुट को करेंगे जनरेट और आउटपुट प्रोड्यूस ये करेगा। जैसे गेस करिए, डेटाबेस से कुछ डेटा लाना है, ये लाएगा,
मॉडल की मदद से, हाँ तो ये मॉडल से बोलेगा, मॉडल डेटाबेस से बात करेगा, मॉडल डेटा इसको देगा और ये डेटा टेम्पलेट को देगा। आपको लास्ट लेक्चर याद है कि पाइथन जेंगो में व्यू प्लेज द रोल ऑफ कंट्रोलर एंड टेम्पलेट्स प्ले द रोल ऑफ व्यू। तो दिस इज गोइंग टू प्ले द रोल ऑफ कंट्रोलर, दिस इज गोइंग टू इंटरैक्ट विद मॉडल्स, मॉडल जो इसे डेटा देंगे ये उस डेटा को फॉरवर्ड कर देगा टू टेम्पलेट्स। अगले लेक्चर में हम टेम्पलेट्स भी पढ़ेंगे, आज हम पढ़ रहे हैं व्यूज। तो आज टेम्पलेट्स नहीं होंगे, नहीं आज आउटपुट सिर्फ व्यू जनरेट करेगा विद द हेल्प ऑफ फंक्शन, क्योंकि आज आउटपुट सिर्फ एक मैसेज है वेलकम टू शर्मा कंप्यूटर अकेडमी। बट अगर एक पूरा पेज जनरेट करना है, पूरा टेबल जनरेट करनी है, तो फिर इसकी जगह हम वो काम कराएंगे विद टेम्पलेट्स। आया समझ में? तो ये तो हो गई आपकी कुछ फाइल्स। अब अगला पार्ट, ऐप बना लिया आपने, ऐप बना ली किस नाम से? अब जाएंगे ये बोलता है तुमने ऐप बनाई बहुत बढ़िया, बट मुझे बताओ कि तुमने एक एप्लीकेशन बनाई है। ये बताने के लिए हमें जाना पड़ता है settings.py में और वहां पर जितनी भी एप्स की लिस्ट है उसमें अपनी ऐप का नाम जोड़ना पड़ता है। तो अब आप बिना स्लाइड पढ़े मुझे बताओ, खोलो settings.py, दिख रही है settings.py? कहां दिखेगी बताओ, कहां होती है settings.py? जल्दी बताओ, जो जेंगो ने आपको ऐप बना के दी है उसमें है। क्या नाम है उस ऐप का? डेमो प्रोजेक्ट। तो इसको बंद कर दूं, ये ग्रीटिंग्स ऐप को बंद करो, डेमो प्रोजेक्ट वाली ऐप को खोलो, इसके अंदर मिलेगी आपको settings.py। खोलो, अब देखो इस settings.py में आपको ये कोडिंग दिखेगी बाय डिफॉल्ट। सर्च करो इस कोडिंग में कहीं इंस्टॉल्ड एप्स आ रहा है, आ रहा है क्या? कोई मुझे बताएगा ये क्या है? ये वो सारी एप्स है जो इस समय आपके प्रोजेक्ट में आ गई हैं। किसने बनाई? जेंगो ने। आपने अभी ये वाली ऐप यूज की करी, अब आपको अपनी ऐप बनानी है, ठीक? ऐप का नाम क्या है? तो यहां पर आप अपनी ऐप की करेंगे एंट्री, बहुत सावधानी से इस लिस्ट के अंदर। ये लिस्ट है, हाँ ये पाइथन की लिस्ट है क्योंकि ये एनक्लोज कर रही है इन स्क्वायर ब्रैकेट। बिल्कुल लास्ट में आइए, स्टैटिक फाइल्स की एंट्री है, ठीक है? इसके बाद एंटर प्रेस कीजिए, अपनी ऐप का नाम सिंगल या डबल कोट में लिख दीजिए। क्या नाम है आपका? हमारी ऐप का नाम है ग्रीटिंग्स ऐप, बिना कोई और चीज डिस्टर्ब करे हुए यहां लिखिए ग्रीटिंग्स ऐप और एक कॉमा लगा दीजिए, करिए। स्पेलिंग बिल्कुल सही होनी चाहिए। ये क्या करा आपने? आपने जेंगो को बताया कि दिस प्रोजेक्ट कंटेन्स वन मोर ऐप बाय द नेम ऑफ ग्रीटिंग्स ऐप। तो इसमें हर बार एंट्री होगी, हर बार जब एक ऐप बनेगी उसकी एंट्री होगी यहां पर, ठीक है? सेव कर दीजिए, दिस इज फर्स्ट थिंग। हो गया? कुछ गड़बड़ होगी तो यहां ऑटोमेटिकली विजुअल स्टूडियो एरर दिखाने लगेगा, अगर कुछ भी गलत अपन ने करा होगा तो यहां रेड कलर में एरर आने लगेगी, ठीक है? जैसे कि ये एक गलती करते हैं अपन, सिंगल कोड भूल गए, चेक कीजिए। जैसे ही आप सिंगल कोड भूलेंगे थोड़ी देर में जब आप इसको रन करेंगे तो विजुअल स्टूडियो आपको यहां पर दिखाएगा एरर, ठीक है? अभी इसको सही कर देता हूं मैं। चलिए नेक्स्ट, settings.py में अपनी ऐप की एंट्री करने के बाद बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है आपको, पढ़िए वो काम क्या है। अब आपको व्यू में एक फंक्शन बनाना है। एक बार फिर से ऑफिशियली पढ़ लेते हैं अपन व्यू क्या है। जैसा मैंने कहा, व्यू जेंगो में एक फंक्शन होता है जो लेता है रिक्वेस्ट और देता है रिस्पॉन्स। रिक्वेस्ट कौन भेज रहा है? ब्राउजर। और रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा है आपके प्रोग्राम की तरफ से, फाइन। हर व्यू हमेशा एक आर्गुमेंट लेता है, उस आर्गुमेंट का टाइप होता है रिक्वेस्ट, और हमेशा एक आउटपुट जनरेट करता है जिसका टाइप होता है HTTP response। बोलो वापस, हर व्यू एक आर्गुमेंट लेता है, एक आर्गुमेंट लेता ही लेता है, उसका टाइप होता है रिक्वेस्ट, और एक आउटपुट जनरेट करता है जिसकी टाइप होती है HTTP response। व्यू क्या क्या कर सकता है ये आपके सामने। व्यू डेटाबेस से बात कर सकता है विद द हेल्प ऑफ मॉडल्स, उन मॉडल से आने वाले डेटा को डिलीवर कर सकता है टू टेम्पलेट, और चाहे तो टेम्पलेट को अवॉइड करके खुद ही डायरेक्ट ब्राउजर को आउटपुट दे सकता है, जैसा हम करेंगे आज। आज हम टेम्पलेट यूज नहीं करेंगे, आज हम सीधे व्यू से आउटपुट करेंगे जनरेट, राइट?
क्या डिसाइड, व्यू ये डिसाइड करता है कि जो भी आपने कोड लिखा है उससे क्या डेटा जनरेट होगा और क्या रिजल्ट जाएंगे टुवर्ड्स द ब्राउजर। फॉर एग्जांपल दो नंबर ऐड करने हैं तो ऐड करने का लॉजिक व्यू में, और उनको उस एडिशन का जो रिजल्ट है उसे भी डिस्प्ले करने का लॉजिक हम लोग लिखेंगे इनसाइड व्यूज। अब व्यू की कोडिंग कैसी दिखती है, ये है व्यू की कोडिंग जो हम लोगों को लिखनी है। सुन लीजिए पहले ध्यान से, इसमें सबसे ऊपर जो दिख रहा है वो आपको आपके व्यूज डॉट पाई में दिख रहा होगा, देखो दिख रहा है, इसको आप हटा सकते हो, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, इसकी जरूरत पड़ेगी आपको टेम्पलेट्स के दौरान। हटा दो उस लाइन को, आप जो ऊपर लाइन लिखी हुई ना उसे ड्रॉप कर दो, क्यों जो काम का नहीं है उसे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है अपन को अभी, इतना अब आपके काम का है। अब मैं इसको लिखते लिखते आपको समझाता हूं क्या हो रहा है इसमें। तो सबसे पहले अपन चले व्यूज डॉट पी वाई में, कहां है व्यूज डॉट पी वाई, ग्रीटिंग्स ऐप के अंदर। तो ग्रीटिंग्स ऐप में आइए, व्यूज डॉट पी वाई को खोलिए, इस पूरे को डिलीट कर दीजिए, ठीक है। अब फंक्शन बनाना है तो लिखेंगे अपन डेफ, फंक्शन को अपने पसंद से कोई भी नाम दीजिए, जो नाम आपको देना है। मैं नाम देना चाहता हूं होम पेज व्यू, ठीक है। पहले सुन लीजिए, आराम से सुन लीजिए, लिखिए मत मेरे साथ साथ। अब मैंने आपको थ्योरी में क्या बोला था, अभी हर व्यू एक आर्गुमेंट लेगा जिसका नाम होगा रिक्वेस्ट, जिसकी एक्चुअल में क्लास का नाम है HTTP रिक्वेस्ट। हालांकि आपको याद है पाइथन में क्लास का नाम तो लिखते नहीं है, जब हम आर्गुमेंट्स लिखते हैं तो सिर्फ वेरिएबल का नाम लिख देते हैं। इस वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, मैंने अपनी तरफ से नाम दिया है रिक्वेस्ट, फाइन। अब इस व्यू का काम है, जैसे ही ये फंक्शन चले ये यूजर को HTML की मदद से वेलकम मैसेज प्रिंट करके दे, क्लियर। तो मैं लिखूंगा str इज इक्वल टू, ये कौन स्ट्रिंग डबल कोट्स में H1 वेलकम टू शर्मा कंप्यूटर अकेडमी, क्लियर, फॉरवर्ड स्लैश H1, ठीक। आप ये बताइए ये एक वेरिएबल है, इस वेरिएबल की वैल्यू रिटर्न होनी चाहिए एज HTTP रिस्पॉन्स। तो हमें रिटर्न करना होगा ये वेरिएबल को एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ HTTP रिस्पॉन्स क्लास। ये जो HTTP रिस्पॉन्स क्लास है ये जैंगो में एक मॉड्यूल में अवेलेबल है जिसका नाम है django.http। तो क्या करना पड़ेगा इसको यूज करने के लिए, उस मॉड्यूल को करना पड़ेगा इंपोर्ट। तो इससे पहले कि ये रिटर्न काम करे हमें टॉप पे आना है और यहां एक लाइन लिखनी है फ्रॉम django.http इंपोर्ट HTTP रिस्पॉन्स, और इस HTTP रिस्पॉन्स के आर्ग्यूमेंट में पास कर दीजिए आप ये STR। आप ये बताइए ये STR अवॉइडेबल है, हाँ हम ये पूरा डबल कोटेड डेटा यहीं पास कर दें, ठीक है। इसका मतलब ये व्यू का बेसिक काम है, जब भी व्यू बनेगा वो हमेशा रिसीव करेगा एक रिक्वेस्ट, इस रिक्वेस्ट में क्या होगा जो HTML से डेटा आएगा, बट अभी तो हमने कोई डेटा भेजा नहीं है, ठीक है। और हमेशा व्यू जनरेट करेगा HTTP रिस्पॉन्स। HTTP रिस्पॉन्स पाइथन में एक बिल्टिन या जेंगो में एक बिल्टिन क्लास है जो आपसे एक स्ट्रिंग लेती है और ये स्ट्रिंग ट्रांसफर कर देती है टू द ब्राउजर। ये स्ट्रिंग HTML स्ट्रिंग होनी चाहिए ताकि ब्राउजर इसे प्रॉपर तरीके से इंटरप्रेट कर पाए। अब आप चाहें तो इसको कट शॉर्ट कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग दिस STR इसे हटाकर ये पूरी स्ट्रिंग डायरेक्टली STR की जगह पे कर दीजिए पेस्ट। आया समझ में, ठीक। अब अगर अपन अपने प्रोग्राम को रन करें दोबारा तो क्या होगा, जल्दी बताइए, कुछ नहीं होगा। कुछ क्यों नहीं होगा, आपने व्यू बनाया बनाया लेकिन आपने इसको किसी URL के साथ मैप नहीं करा, मैप तो करना पड़ेगा ना। तो अभी भी अगर मैं अपना प्रोजेक्ट रन करूं, देखते हैं क्या होता है, सेव करिए, सर्वर को अप कीजिए और देखिए क्या हो रहा है। python manage.py रन सर्वर, अभी भी आउटपुट पुराना वाला आ रहा है, क्यों, क्योंकि आपने सब कर लिया लेकिन जैंगो को ये नहीं बताया कि जिस URL पे ये पर्टिकुलर फंक्शन रन होगा वो URL कौन सा है। तो जैंगो को अभी भी ये पता है कि डिफॉल्ट URL पे
उसका रॉकेट वाला पेज रन होना है और एडमिन पे एडमिन वाला रन होना है। आपके व्यू की तो जानकारी जेंगो को है ही नहीं। अब आते हैं लास्ट पार्ट पे जो हमें करना है। पढ़िए वो लास्ट पार्ट क्या है, ये पढ़ लीजिए। थ्योरी इसकी जरूरत नहीं है तो इसको चाहे तो आप अभी इग्नोर कर दें। रेंडर की जरूरत हमें पड़ेगी जब हम डिस्कस करेंगे टेम्पलेट्स, तो फिलहाल इस पे ज्यादा ध्यान मत दीजिए। आगे पढ़िए, सेकंड पैरा पढ़िए। हर व्यू की जिम्मेदारी है वो एक HTTP रिस्पॉन्स के थ्रू आउटपुट जनरेट करे। HTTP रिस्पॉन्स Django.HTTP मॉड्यूल में रहने वाली एक क्लास है। आगे पढ़िए, नाम कुछ भी होगा लेकिन आर्ग्यूमेंट एक होना चाहिए, रिटर्न टाइप भी एक वैल्यू होनी चाहिए। रिटर्न टाइप क्या होगी? रिटर्न टाइप होगी HTTP रिस्पॉन्स क्लास का ऑब्जेक्ट। आर्ग्यूमेंट टाइप होगी HTTP रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट, हालांकि इसका नाम कुछ भी चलेगा। तो मैं इसका आर दे सकता हूं, नाम दे सकता हूं, क्योंकि ये सिर्फ आर्ग्यूमेंट का नाम है। इसकी क्लास का नाम है HTTP रिक्वेस्ट और इसका नाम है HTTP रिस्पॉन्स। एक ही आर्ग्यूमेंट होगा, एक से ज्यादा नहीं होंगे, सिर्फ एक ही आर्ग्यूमेंट होगा हमेशा। तो हर व्यू के लिए क्या क्या चीजें फिक्स हैं जो कभी नहीं बदलेंगी? हर व्यू सिंगल आर्ग्यूमेंट लेगा, हर व्यू रिटर्न करेगा HTTP रिस्पॉन्स। अंदर क्या लॉजिक लगाते हैं वो आप सोचिए, वो आपको सोचना है। चलें आगे, डन, शुरू करें। अभी आपने व्यू बना लिया, लेकिन व्यू बनाने के बाद आपने जेंगो को इन्फॉर्म नहीं करा कि ये व्यू आपने क्रिएट करा और इसको इस यूआरएल पे चलना है, ठीक है? अभी भी अगर आप अपना ये लिंक खोलें तो आप देखेंगे आपको जेंगो का डिफॉल्ट पेज मिलेगा। अब लास्ट काम क्या करना है? urls.py में जाकर चीजों की एंट्री करनी है। अब पढ़िए ध्यान से, urls.py में ट्विस्ट क्या है, बहुत ध्यान से पढ़ना है ना, ये आखिरी टिपिकल काम है। अपने व्यू के बारे में जानकारी देने के लिए urls.py फाइल में आपको कोडिंग लिखनी पड़ती है। कोडिंग लिखने के दो ऑप्शंस हैं, पढ़ो। पढ़िए, कोडिंग लिखने के आपके पास दो ऑप्शंस हैं। सबसे पहला है आप एक फंक्शन कॉल करेंगे जिसका नाम होगा पाथ। कौन है? जेंगो का एक बिल्ट इन फंक्शन है। क्या करता है, कहां लिखेंगे, पढ़िए ध्यान से। पाथ कहता है ये वाले यूआरएल को ये वाले व्यू के साथ कनेक्ट कर दो। तो आप बताइए आपके व्यू का नाम क्या है? फाइल का नाम नहीं, व्यू का नाम, होम पेज व्यू। व्यू का नाम जब मैं बोलता हूं ना तो इट्स कॉल्ड एज फंक्शन नेम। तो आपके फंक्शन का नाम है होम पेज व्यू। मैं चाहता हूं ये होम पेज व्यू तब खुले जब यूजर http://127.0.0.1:8000/sca लिखे। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा ये क्या इतना लंबा जो मैंने बोला ये क्या है, ये जेंगो की भाषा में राउट है, जैसे आप अभी इतनी देर तक बुला रहे थे यूआरएल। तो यहां एंट्री होगी यूआरएल की, यहां एंट्री होगी उस व्यू की जो इस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट पे हमें रन करवाना है विद द हेल्प ऑफ दिस फंक्शन हुज नेम इज पाथ। फाइन, चलिए अब आगे देखिए। पाथ फंक्शन ये कहता है कि आप मुझे यूआरएल दे दो, मुझे व्यू का नाम दे दो, ये वाले यूआरएल के आने पे मैं ये वाले व्यू को कर दूंगा रन। अच्छा, यहां हम पूरा नहीं देखते यूआरएल, हम सिर्फ 8000 के बाद वाली चीज लिखते हैं। तो जो हमारा 8000 तक है वो तो हमारा डिफॉल्ट वेब नेम है, डिफॉल्ट वेबसाइट नेम है। उसके आगे जो आता है वो अपन यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो हमारे केस में क्या होगा, हम इसको नाम देना चाहेंगे SCA, तो हम यहाँ लिख देंगे SCA/ और इसे कनेक्ट कर देंगे विद व्यूज डॉट, या माई व्यू है हमारे में होम पेज व्यू, हमारे फंक्शन का नाम है होम पेज व्यू, तो यहाँ आ जाएगा व्यूज डॉट होम पेज व्यू। अब यूआरएल क्या बन जाएगा, मेरे एग्जाम्पल में यूआरएल बन जाएगा http://127.0.0.1:8000/ माई पेज की जगह SCA। आउटपुट क्या आएगा,
वेलकम टू शर्मा कंप्यूटर एकेडमी। क्यों? क्योंकि मैं इसको कनेक्ट कर दूंगा इस पर्टिकुलर फाइल से। अब प्रॉब्लम ये है, ये जो आपको कोड लिखना है, ये लिखना है urls.py में, और वो urls.py ग्रीटिंग्स ऐप में होनी चाहिए। कहाँ होनी चाहिए? ग्रीटिंग्स ऐप में। बताइए ग्रीटिंग्स ऐप में urls.py है? नहीं है। बिना देखे झूठ नहीं बोलते हैं। ग्रीटिंग्स डॉट ऐप में urls.py नहीं है। urls.py डेमो प्रोजेक्ट ऐप में होगी, है? तो अब सुनना ध्यान से। जैंगो के पास दो urls.py होंगी। जो डेमो प्रोजेक्ट की urls.py है उसे हम बोलते हैं साइट वाइड URL। क्या बोलते हैं? साइट वाइड URL या प्रोजेक्ट लेवल URL। और ये जो आप बना रहे हैं उसे अपन बोलते हैं एप्लीकेशन लेवल URL। जो जैंगो के पास है इट्स कॉल्ड प्रोजेक्ट लेवल URL, जो हम बना रहे हैं इट्स कॉल्ड एप्लीकेशन लेवल URL। हमारी एप्लीकेशन का नाम क्या है? ग्रीटिंग्स ऐप। तो ग्रीटिंग्स ऐप में हमें एक फाइल बनानी है जिसका नाम देना है urls.py। करिए मेरे साथ, आइए ग्रीटिंग्स ऐप में। ठीक, इस ग्रीटिंग्स ऐप को सेलेक्ट करके इस पे क्लिक कीजिए, न्यू फाइल पे। करा? विजुअल स्टूडियो आपसे नाम पूछेगा फाइल का। फाइल का नाम देंगे urls.py। एंटर स्ट्राइक कीजिए, बन गई। ठीक है, अब इस फाइल के अंदर अपन को ये कोड पेस्ट करना है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा ये कोड क्या है और ये जैंगो से क्या क्या करने को कह रहा है। सबसे पहली चीज, नोटपैड में समझा रहा हूं, आराम से उतारना आप। पहले समझ लो ये आपका कोड जो आपको लिखना है अपने urls.py में। सबसे पहला समझाइए, पाथ कौन है? एक फंक्शन है। ये फंक्शन आता है फ्रॉम अ मॉड्यूल हुज नेम इज django.urls। तो ये मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो फ्रॉम django.urls इंपोर्ट पाथ। ठीक है, प्लस ये जो फाइल है ग्रीटिंग्स ऐप के अंदर urls.py, ये views.py को भी यूज करेगी, क्योंकि ये उस फंक्शन का नाम रखेगी जिस फंक्शन पे रिक्वेस्ट को होना है रीडायरेक्ट। ये फंक्शन किस फाइल के अंदर है? views.py के अंदर। तो आपको उसको भी करना पड़ेगा इंपोर्ट। यहां आपको डॉट दिख रहा होगा, डॉट का मतलब है करंट पैकेज। क्या है आपके पैकेज का नाम? ग्रीटिंग्स ऐप। तो डॉट का मतलब हो गया करंट पैकेज विच इज ग्रीटिंग्स ऐप, उसके व्यूज मॉड्यूल को या फाइल को करना है अपन को इंपोर्ट। तो इस सेकेंड वाले फॉर्म को हिंदी में समझाओ जरा, करंट पैकेज से व्यूज को इंपोर्ट करो। अच्छा, व्यूज को इंपोर्ट क्यों करो? क्योंकि व्यूज के पास ही फंक्शन है जिसका नाम है होम पेज व्यू। ये जो तीसरा आर्गुमेंट है इसके बारे में बातचीत मैं आपसे अगली बार करूंगा, अभी इसको इग्नोर कर दीजिए। कौन तीसरा आर्गुमेंट? नेम इज इक्वल टू इंडेक्स। अब आपने नोटिस करा होगा ये जो स्टार्टिंग पे था, यहां मैंने ब्लैंक स्ट्रिंग डाली हुई है। क्यों ब्लैंक स्ट्रिंग डाली हुई है, उसका रीजन मैं आपको भी समझाऊंगा। फिलहाल इस पूरे फंक्शन का मतलब है हमारे पास एक लिस्ट है जिसका नाम है यूआरएल पैटर्न्स। इसके अंदर यूआरएल है एम्प्टी स्ट्रिंग, और इसके अंदर पूरा फंक्शन का नाम है विच इज कॉल्ड होम पेज व्यू। अब अंदर की बात यह है, जैंगो जो करेगा वो ये कि यूजर यूजर रिक्वेस्ट देगा ऐसे http://127.0.0.1। ये एक्चुअल में लाइव होने पर आपकी वेबसाइट का नाम बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल http://www.example.com। उस example.com की हम मान रहे हैं 127.0.0.1 : उसका पोर्ट नंबर होगा विच इज 8000। इसके बाद अगर आपने मेरी बात गौर से सुनी हो तो मैंने कहा था हम लगाएंगे /sca। इसके बाद कुछ भी नहीं आ रहा है। तो इतना जो यूआरएल है इसकी एंट्री हम लोग करेंगे प्रोजेक्ट लेवल के यूआरएल में। प्रोजेक्ट लेवल के यूआरएल का नाम क्या है? urls.py। वहां हम लोग इसकी एंट्री करेंगे। जैंगो जब इसे urls.py प्रोजेक्ट लेवल में देखेगा तो आकर यहां तक का एंट्री उठाएगा urls.py प्रोजेक्ट लेवल से, और इसके आगे जो कुछ भी होगा वो ढूंढेगा आपके वाले में। अब आप बताइए SCA के आगे क्या है? कुछ नहीं है ना, इसलिए आपने अपने व्यूज अपने पाथ फंक्शन के अंदर फर्स्ट आर्गुमेंट क्या दिया है? डबल कोट्स। अच्छा, अगर मेरी बात समझ आ रही है तो मुझे बताइए
मैं यहां फॉरवर्ड स्लैश करके लिखता हूं अबाउट। हम लोग इतनी एंट्री करने वाले हैं प्रोजेक्ट लेवल के यूआरएल में, तो आप लोग इस वाले में क्या लिखोगे? अब अगर मैं ऐसे चाहता हूं ये लिखें और आउटपुट आए वेलकम टू शर्मा कंप्यूटर एकेडमी, तो आप लोग इस वाले पाथ फंक्शन में लिखोगे डबल कोट्स में अबाउट और फिर व्यूज डॉट होम पेज व्यू, यानी यहां तक की एंट्री वी मेक इन यूआरएल्स डॉट पाई ऑफ प्रोजेक्ट लेवल। इसके आगे की जो भी एंट्रीज हैं वो अपन करते हैं इन यूआरएल्स डॉट पाई ऑफ एप लेवल। ये सबसे टिपिकल पार्ट है और बहुत कंफ्यूजिंग है, तो आराम आराम से समझिएगा। ये जो एससीए तक का दिख रहा है ये हमारा बेस यूआरएल हो गया, ये जो देख रहे हैं ये हमारा एक पेज का नाम है। तो अगर आपको पेज का नाम अबाउट रखना है तो आप अबाउट की एंट्री कर दो। मैंने वहां पर सिंगल कोट डाले हैं, इसका मतलब मेरे पेज का डिफॉल्ट नेम है। मैं चाहता हूं कोई एससीए तक आए तो ये वाला फंक्शन रन हो जाए, ठीक है। अब यहां तक की एंट्री होगी यूएल्स डॉट पाई ऑफ मेन प्रोजेक्ट, और ये वाली एंट्री होगी इन यूआरएल्स डॉट पाई ऑफ योर फाइल। अगर आपको लग रहा है सर ये नहीं रखना है तो वेरी गुड, मत रखिए, तो भी एंट्री तो होगी लेकिन वो होगी विद एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है। अब मुझे आप एक बार फिर समझाइए इस लाइन का क्या मतलब निकला। व्हाट इज टेलिंग जैंगो दिस एंड दिस, ये लाइन ये बोल रही है कि जो इनिशियल यूआरएल है उसे हटाकर अगर एम्प्टी स्ट्रिंग आए तो कॉल करो होम पेज व्यू को। इनिशियल यूआरएल क्या है वो हम प्रोजेक्ट लेवल यूआरएल में करेंगे मेंशन। क्या होगा इनिशियल लेवल यूआरएल? पूरा पाथ अप टिल एससीए। उसमें भी बता दूं जो आपका पाथ है वो लिखने की आवश्यकता नहीं है, जेंगो जानता है कि आपका जो डिफॉल्ट पाथ है वो है http://127.0.0.1:8000। तो प्रोजेक्ट लेवल में क्या लिखेंगे हम? एससीए, और यहां हम लिखेंगे डबल कोट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एप्लीकेशन लेवल का व्यूज डॉट सॉरी यूआरएल डॉट पी वाई। ध्यान से उतारो, लिखो आप। ग्रीटिंग्स ऐप के अंदर करो ये एंट्री। अच्छा, दो तीन जरूरी बातें। इसका नाम ये कौन है, लिस्ट है, यूआरएल पैटर्न्स ही रखना है क्योंकि इसी नाम से जेंगो इसको सर्च करता है। कहां पर? आपके इस यूआरएल्स डॉट पाई में, गॉट इट। इसके अंदर फंक्शन हमेशा पाथ आएगा जो लेगा आपसे तीन आर्गुमेंट जिसमें तीसरा डिफॉल्ट है, इसलिए इसके बारे में अभी मैं बात भी नहीं कर रहा हूं, इसको छोड़ दीजिए। बाकी है एम्प्टी स्ट्रिंग एंड व्यूज डॉट होम पेज व्यू। होम पेज व्यू इज फंक्शन नेम जिसे हम जेंगो में बोलेंगे व्यू, और व्यूज इज द नेम ऑफ द फाइल, राइट। और ये बता रहा है वो यूआरएल जिस पे ये फंक्शन चलना है। तो ये क्या बता रहा है, कब चलना है फंक्शन? ये फंक्शन तब चलना है जब बेस यूआरएल के बाद कोई वैल्यू ना हो। अच्छा, अगर मैं यहां पे लिख दूं सचिन, तो फिर इस फंक्शन को चलाने के लिए आपको यूआरएल क्या टाइप करना पड़ेगा? पूरा बोलो, http://127.0.0.1:8000/Sachin /Sachin। अगर आप यहां लिखोगे तो यहां एंट्री सचिन पे चलेगी। फिर forward slash SCA forward slash Sachin हो गया। चलिए अब आती है लास्ट कोडिंग जो हमें उस यूआरएल में करनी है विच इज द यूआरएल ऑफ आर प्रोजेक्ट। कहां पर है? डेमो प्रोजेक्ट ऐप के अंदर, है ना। ये मैंने बोला ना, मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा, इसको छोड़ दो अभी, इग्नोर करो इसको, अभी बहुत सारा हो जाएगा नहीं तो। हो गया लास्ट पार्ट। आप जरा आइए और खोलिए डेमो प्रोजेक्ट की यूआरएल्स डॉट पाई, खोलिए तो कुछ दिख रही है उसमें एंट्री। क्या आप बता सकते हैं इस लाइन का क्या मतलब है?
क्या कह रहा है, क्या कह रही है लाइन जैंगो से? जैंगो से ये लाइन कह रही है, अगर यूआरएल में, बेस यूआरएल में एडमिन आ रहा है, बेस यूआरएल में एडमिन आ रहा है, तो ये वाली फंक्शनैलिटी एनेबल कर दो। आप अंदाजा लगा पा रहे हैं इसमें क्या होगा? वो पेज था जो आपने अभी देखा, कौन सा वाला? लॉग इन वाला। ऐसे हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं वेलकम टू शर्मा कंप्यूटर अकेडमी आए। कब? एडमिन पे नहीं, SCA पे। तो हमें क्या करना होगा बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। हमें लिखना पड़ेगा पाथ, है ना? हल्का सा एक चेंज आएगा, ध्यान देना। पाथ क्या होना है? हमारा पाथ, हमारा पाथ होना है SCA/, ये हमारा पाथ हो गया। ये हम अपने मन से तय करेंगे, ये कुछ भी लिख सकते हैं अपन। मैं यहाँ पे फेसबुक भी लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, आपको जो लिखना हो आप लिख दीजिए, वो आपके बेस यूआरएल का नाम बन जाएगा। तो बेस यूआरएल नेम इज SCA। इसके बाद एक नई चीज, जैंगो के पास एक फंक्शन है जिस फंक्शन का नाम है इंक्लूड, ठीक है? ये फंक्शन ये कहता है कि आप मुझे किसी भी फाइल का नाम दीजिए, मैं उसकी पूरी कोडिंग लाकर यहां पर रख सकता हूं। तो मैं चाहता हूं ये वाली जो फाइल है ना मेरी, ये वाली जो फाइल है, क्या नाम है इस फाइल का? शाबाश, किसके अंदर है ये? शाबाश। तो मैं इंक्लूड को ये लाइन लिख रहा हूं और मुझे आपसे इसकी हिंदी समझनी है, बताओ जरा। क्या कह रही है ये लाइन जैंगो से, बताइए? ये लाइन जैंगो से ये कह रही है कि अगर बेस यूआरएल में एडमिन है तो इसे लॉन्च करो, अगर बेस यूआरएल में SCA है तो जाओ ग्रीटिंग्स ऐप के यूआरएल्स में इससे आगे की एंट्री सर्च करो। क्या है SCA के आगे? कुछ नहीं है ना, तो आपने वहां पे एंट्री क्या दी हुई है? ब्लैंक स्ट्रिंग। तो SCA तक तो पाथ ये हो गया, इससे आगे का पाथ मेंशन्ड है इन greetingsapp.url। अच्छा अब ये बताइए, वहां पर मैंने ब्लैंक स्ट्रिंग दी हुई है, कॉल करते वक्त मैंने लिख दिया 127.0.0.1 8000/SCA/Sachin, पेज चलेगा? पेज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि आपने बोला है SCA के बाद स्ट्रिंग विल बी ब्लैंक। या तो आप बताइए SCA के बाद सचिन आएगा तो वो पेज चले, आपने बोला स्ट्रिंग ब्लैंक है तो SCA तक का पाथ यहां मेंशन हो गया। एंड वॉट इज दिस फंक्शन डूइंग? ये पूरी greetingsapp.url को लाकर यहां पर कर देगा पेस्ट, या यूं कह लीजिए ये जैंगो को ये बोलेगा कि greetingsapp.url में जाओ और इससे आगे के पाथ की सर्चिंग करो, ठीक है? और ये जो इंक्लूड फंक्शन है ये खुद भी जैंगो डॉट यूआरएल्स के अंदर अवेलेबल है। तो क्या लिखना पड़ेगा कॉमा करके, जल्दी जल्दी बोलिए, कॉमा इंक्लूड, ठीक है? इस पूरे को करिए सेव। ठीक, आप इसको क्लिक कीजिए, urls.py नहीं होगा बेटा, सिर्फ नाम, py नहीं देते, ठीक है? अब मुझे पूरी फंक्शनैलिटी, मैं एक बार रन करके दे रहा हूं, पूरी फंक्शनैलिटी समझाइएगा, आपकी रिक्वेस्ट आने से रेस्पॉन्स आने तक क्या क्या हुआ ऐप में, पूरी फंक्शनैलिटी समझाना। फिलहाल मैं इसको क्लिक कर रहा हूं, आप बताओ इसको क्लिक करने पर क्या होगा? जैसे ही इसको क्लिक करूंगा मैं, जैसे ही क्लिक करूंगा, जल्दी बताओ, कुछ नहीं होगा, बताइए कुछ क्यों नहीं हुआ? एग्जैक्टली, देखो क्यों आ रही है एरर, पढ़ो जैंगो आपको क्या बता रहा है। जैंगो बोल रहा है यूआरएल चेक कर लिया, मुझे इस यूआरएल से रिलेटेड कहीं कोई एंट्री नहीं मिली। याद कीजिए जो प्रोजेक्ट लेवल यूआरएल है उसमें दो एंट्रीज हैं, क्या क्या? एक एडमिन और एक SCA। आपने यहां क्या दिया है? कुछ भी नहीं दिया है, राइट? तो इसका मतलब ये बेस यूआरएल है, इसके आगे आपने कुछ नहीं दिया है और इसकी कोई एंट्री किसी भी यूआरएल में नहीं है। ओके, अब क्या होगा? चलेगा नहीं चलेगा, क्या आएगा अब, क्या होगा? ठीक है, आप मुझे विद डायग्राम समझाइए, रिक्वेस्ट कहां से होती भी गई, फिर ये डायग्राम आराम से उतारना आप। ये था ब्राउजर, ब्राउजर से रिक्वेस्ट आई HTTP 127.0.0.1
colon8000/sca, ठीक है। ये रिक्वेस्ट सबसे पहले आपके सर्वर एंड पे, ये आपका प्रोजेक्ट है, क्या नाम है आपके प्रोजेक्ट का, डेमो प्रोजेक्ट। इस डेमो प्रोजेक्ट के अंदर एक फाइल है जिसका नाम है urls.py, फिर एक ऐप है जिसका नाम है ग्रीटिंग्स ऐप, इसके अंदर भी एक फाइल है जिसका नाम है urls.py। बताइए क्या हुआ जब ये रिक्वेस्ट आई। तो जब भी यूजर की तरफ से रिक्वेस्ट आती है, जैंगो सबसे पहले प्रोजेक्ट लेवल की urls.py में इस URL की एंट्री सर्च करता है, ठीक है। इसमें जैंगो इतना तो हटा देगा, चॉप कर देगा, हटा देगा आपका वेबसाइट का नाम है। अब क्या बचा, forward/sca बचा। अब जैंगो यहां पर देखेगा तो यहां उसे एक एंट्री मिलेगी forward/admin, एक एंट्री मिलेगी forward/sca। ये forward/admin कहां जाने को बोल रही है, ये भेज रही है एडमिन वाले फंक्शनैलिटी पार्ट पे। क्या ये forward/admin है, नहीं है। फिर चेक करेगा क्या ये forward/sca है, है। ये बोल रहा है कि अगर ऐसा आ रहा है तो ग्रीटिंग्स ऐप के URL पे जाओ, तो जैंगो रिक्वेस्ट को रीडायरेक्ट कर देगा इस पे। लेकिन ऐसा करते वक्त वो SCA तक का जो URL है हटा देगा। अब बताइए इस पूरे में से SCA तक का URL हटा दें तो क्या बचा, एम्प्टी स्ट्रिंग बची। तो यहां पर आपने एक एंट्री करी हुई है कि अगर एम्प्टी स्ट्रिंग आए तो कॉल करो, तो कॉल करो व्यू डॉट होम पेज। क्या करा फिर जैंगो ने, जैंगो ने इस होम पेज व्यू फंक्शन को कर दिया कॉल। आया समझ में, ठीक है। अच्छा अगर आया समझ में तो मुझे बताइए, मैं ये चाहता हूं कि मैं अगर शर्मा लिखूं ना यहां पर शर्मा, तब भी ये पेज चलना चाहिए, अभी चलेगा। अगर मैं सिर्फ लिखूं forward/sca/sharma ये लिखूं तो ये पेज चलना चाहिए, फिलहाल नहीं चलेगा। क्या करूं कि इस URL पे, अच्छे से देखना, क्या करूं कि इस URL पे भी मेरा पेज काम कर जाए, क्या करूं। तो फिर मैं चलूं अपने ग्रीटिंग्स ऐप के अंदर और इसको बोलूं बिल्कुल ये कि ये फंक्शनैलिटी दे दो, तब भी जब यूजर यहां पर भेजे शर्मा। तो SCA तक का पाथ प्रोजेक्ट लेवल के URL में, आगे का पाथ यहां पर। सेव ऑल कीजिए, सेव ऑल करते ही सर्वर रीस्टार्ट हो जाना चाहिए, वो आपको नीचे दिखेगा, सर्वर रीस्टार्ट हो गया। अब करिए वापस क्लिक, दीजिए रिक्वेस्ट forward/sca वेलकम टू शर्मा कंप्यूटर अकेडमी, SCA/Sharma। क्लियर। अच्छा एक और प्रॉब्लम सॉल्व करो, मेरे को ये भी चलाना है सिर्फ शर्मा, इस पे भी मैं चाहता हूं चले, सिर्फ शर्मा पे भी चले, तो क्या करूं जल्दी बताओ। एग्जैक्टली तो मैं चलूं मेन URL में, क्या लिख दूं मेन URL में आकर, जैसे SCA है ना ऐसे लिख दूं शर्मा /, फिर क्या होगा। ओके बिल्कुल सही बोल रहे हो। अब एक और बात सुनो, URLs की प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ में आ गया आपको। तो आपने 30% जैंगो का क्रूशियल पार्ट कर लिया, ये हो गया शर्मा। अब रूट पे भी शर्मा चलेगा, ना रूट पे भी शर्मा चलेगा। आप क्या क्या चलेंगे बताओ कॉम्बिनेशन, आप चलेगा SCA, आप चलेगा SCA शर्मा, आप चलेगा शर्मा, आप चलेगा शर्मा शर्मा, और शर्मा SCA भी नहीं, शर्मा SCA नहीं चलेगा, शर्मा शर्मा जरूर चल जाएगा। चलाइए अब, ठीक है एक एक URL देते हैं। शर्मा
चल गया शर्मा, शर्मा शर्मा SCA, वेरी गुड, परफेक्ट। और SCA चलेगा, SCA तक का पाथ बेस यूआरएल में है, आगे एम्प्टी स्ट्रिंग है। और SCA शर्मा और SCA, अच्छा लास्ट क्वेश्चन आज का, मेरे को ये भी चलाना है, मैं चाहता हूँ ये लिखूँ ना तो भी वेलकम टू शर्मा कंप्यूटर अकेडमी है, तो क्या कर दूँ बताओ, जल्दी से बता दो। तो मैं कहाँ जाकर क्या करूँ, ऐप में जाऊँ कि प्रोजेक्ट लेवल यूआरएल में जाऊँ? प्रोजेक्ट लेवल यूआरएल में जाओ और कह दो यही पूरा पाथ उठा लो और आगे यूरल समझ में पक्का दे दूं एक होमवर्क। हाँ जी डायरेक्टरी डायग्राम ये रहा, नंबरिंग कर दूं सबसे पहले कहां, ये आपका कंप्लीट यूआरएल सेंड बाय द ब्राउजर, फिर ये यूआरएल किसके पास, ये यूआरएल जाएगा इसके पास स्टेप 2, फिर उसमें सर्च करेगा, सर्च करने के बाद ये स्टेप 3, फिर इसमें सर्च करेगा, इसके बाद भी कुछ है इसके बाद ये फंक्शन रन होगा, कौन सा, होम पेज व्यू। फिर इस डायग्राम को पूरा कर दें, हो जाएगा इतना कर लेंगे प्रैक्टिकल घर पे। अब आपका टास्क हटाऊं,
कैसा कमांड बेटा? रन तो सर्वर कर दिया ना आपने, बस जैसे ही सेव ऑल करोगे सर्वर रिफ्रेश हो जाएगा, सर्वर अप है, अभी देखता हूं हो गया। अब आपका होमवर्क, जब आप नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे तो ये करके लाइएगा। ये सब मैंने आपको समझा दिया, ये हो गया, ये पूरी कहानी है जो आपको मैंने समझा दी, कैसे काम हो रहा है पूरा, एक बार पढ़ लीजिए तो पढ़िए। स्टेप वन, थक गए, बस इसको खत्म कर लीजिए ना, फिर अगली बार पार्ट ले पाऊंगा। वैसे स्लाइड में सब कुछ है, घर जाके फिर आप बोलेंगे ये नहीं समझ में आया, वो नहीं आया, यहीं देख लीजिए एक बार अच्छे से। ये कौन है? ये डेमो प्रोजेक्ट की यूआरएल्स डॉट पाई है, जिसमें कितनी एंट्री है? दो, एक एडमिन की और एक एससीए की। ठीक है, फिर जैंगो साइट लेवल यानी प्रोजेक्ट लेवल की यूआरएल्स डॉट पाई में गया तो पहली एंट्री मिली एडमिन, हमारी एंट्री थी एससीए, तो ये हो गया मिसमैच। सेकेंड एंट्री पे गया, सेकेंड एंट्री मिली एससीए, ये हो गया मैच। इस एंट्री ने क्या बोला? इस एंट्री के कॉमा के बाद क्या लिखा हुआ था? इंक्लूड करो ग्रीटिंग्स ऐप डॉट यूआरएल को, तो यहां से कंट्रोल माइग्रेट हो गया ग्रीटिंग्स ऐप डॉट यूआरएल के पास। क्या हुआ ग्रीटिंग्स ऐप डॉट यूआरएल के अंदर? एससीए तक का पार्ट जैंगो ने चॉप कर दिया, क्या बचा? एम्प्टी स्ट्रिंग। तो ग्रीटिंग्स ऐप डॉट यूआरएल के अंदर सर्च करना शुरू करा एम्प्टी स्ट्रिंग को, मिलेगी मिलेगी। उसने क्या बोला? उस एम्प्टी स्ट्रिंग ने बोला होम पेज व्यू नाम के फंक्शन को कॉल करो, कंट्रोल होम पेज व्यू के पास गया, उसने जनरेट कर दिया रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स आ गया ब्राउजर के पास। हर जैंगो एप्लीकेशन इसी आर्किटेक्चर से गुजरेगी। ये लास्ट लाइन जरूर पढ़ लीजिए, वरना मैं इतना समय आपको आज के लेक्चर पे नहीं देता, ये समझना बहुत जरूरी है। हर जैंगो एप्लीकेशन इसी अप्रोच को करेगी फॉलो। इसका मतलब ये बताइए, जाते जाते मुझे एक पेज के खूब सारे नाम, पेज एक बनाएंगे उसको 10 नाम से लॉन्च करेंगे, जैसे मैंने करा शर्मा शर्मा एस सी ए शर्मा एस सी ए एम्प्टी स्ट्रिंग शर्मा एम्प्टी स्ट्रिंग शर्मा शर्मा, वो एक ही पेज था जो इतने सारे नामों से लॉन्च हो रहा था। ठीक है, अब आपका टास्क, आपको ये करके लाना है। ये मैंने एक बार और जो आपको डिस्कस करा वो समझा दिया है पूरा, मैंने अभी आपको सॉल्यूशन वन करवाया है, ठीक है, सॉल्यूशन टू भी आपको मैंने समझा दिया है। एक बार फिर अगले लेक्चर में इसको रिवाइज करेंगे, आपको अगर लग रहा है कि आपको सब क्लियर है तो आप ये बना के लाएंगे, हो जाएगा। अगर यूआरएल में कॉन्टैक्ट आता है तो ये आउटपुट चाहिए, हो जाएगा। क्या करना पड़ेगा ये बताओ? एक नया फंक्शन बनेगा भाई, जैसे होम पेज व्यू ऐसे एक और बनेगा ना, आपने तो उसमें लिखा हुआ है वेलकम टू शर्मा कंप्यूटर अकेडमी, तो भाई फंक्शन नया बनेगा, उसमें क्या लिखोगे? रिटर्न एच टी टी पी रिस्पॉन्स और यू कैन कॉन्टेक्ट अस एट एस सी लाइव फॉर यू एट gmail.com। फिर इसकी करोगे मैपिंग, कहाँ? दोनों जगह। कौन दोनों? साइट लेवल के यूआरएल में भी और ऐप लेवल के यूआरएल में। ये करके आपको लेकर आना है याद से नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है? कल आइए जावास्क्रिप्ट के लिए। हाँ, ये एक मिनट बता रहा हूँ, आप लोगों के पास लिंक पहुंचे हैं?